इंजीनियरिंग। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। ये जय मंगलाचरण। जिनेंद्र सर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ। अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर में मेरा वे शाम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी। सभी को पुनः जय जिनेंद्र। जी चलिए परमागम ऑनर्स सेमेस्टर वन अपना पूर्ण हो चुका है। सेमेस्टर वन के आप सभी पेपर भी दे रहे हैं, दे चुके हैं बहुत सब। कैसे चल रहे हैं आपके पेपर? वेरी बैड। बहुत अच्छा सर। कुछ लोगों के बहुत अच्छे हैं, कुछ के थोड़े अच्छे हैं, कुछ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे ऐसे भी आ रहे हैं सुनने में। अब ये सब तो चलता ही रहेगा, ये सब तो होना ही है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग उदय के अनुसार होंगे ही, पर हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत कितनी होनी चाहिए, हमने जो पढ़ा है वो पूरी तरह से हम उसका अच्छे से समझे, तभी हम अगले सेमेस्टर में जा पाएंगे। आप सब अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। तो पेपर वन तो लगभग सबका हो चुका होगा, मैं ये मानता हूँ पेपर वन तो सबका हो चुका होगा। जिनका नहीं हुआ हो तो आप कर सकते हैं। पेपर टू भी रिलीज हो चुका है, तो वो भी आप कीजिए सभी। और जिनका पेपर टू भी हो गया है वो पेपर थ्री की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि कुछ लोगों से सुनने में आ रहा है कि पेपर इजी तो है पर ट्रिकी बहुत है, इजी बहुत है पर ट्रिकी बहुत है। तो इसीलिए ओपन बुक दिया गया है, क्योंकि वो इजी तो है, मतलब क्वेश्चन बुक में से ही है, बाहर नहीं है, और आपको ध्यान भी आएगा हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, हमने ऐसा कहीं सुना था, पर वो ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा नहीं कहीं बुक में या कहीं डायरेक्टली लिखा हुआ। तो यही ओपन बुक पेपर का फॉर्मेट रहता है। तो आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए तो आपके पेपर जिससे बढ़िया होंगे। बहुत आपके साथ साथ आपको स्कोर भी पता लग रहे होंगे,
तो इसमें कोई मतलब सस्पेंस वाली बात नहीं है, जो आपने किया है वो आपके सामने ही है सबका। बाकी रिजल्ट अपना लास्ट में आएगा जब पूरा सेमेस्टर हो जाएगा। अपने इस सेकंड सेमेस्टर से कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे साथ सेकंड सेमेस्टर से कंटिन्यू करेंगे। तो हम अभी तो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जब सबके एग्जाम्स हो जाएंगे और मतलब पूरा हम डिस्कस भी कर लेंगे तीनों पेपर एक क्लास में, तब हम करेंगे स्टार्ट सिलेबस। आप तब तक अपने बुक्स अगर नहीं आई हो तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं जिनको सेकंड सेमेस्टर की बुक्स नहीं आई हो। सिलेबस में डाल दूंगा कि सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या बुक्स आनी है। ठीक, तो जिनके असाइनमेंट्स रहते हैं गंधर्व मूल्यांकन और बाकी रिटर्न असाइनमेंट्स, वो भी आप जल्दी दीजिए। माइनस मार्किंग तो होनी ही है अब, पर इतना है कि हम दे देंगे तो हम सेकंड सेमेस्टर में कंटिन्यू कर पाएंगे। हाँ, अगर किसी को एडमिशन लेना है तो सेकंड सेमेस्टर में डायरेक्टली नहीं कर सकते, फर्स्ट सेमेस्टर से ही एडमिशन होगा। बस इतना है, अगर किसी ने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लिया है पहले ही यहीं पर मागम ऑनर्स में और बीच में फिर छूट गया था कभी, तो वो सेकंड सेमेस्टर में आ सकते। या हमारे भी जो बैच के लोग थे जिनका बीच में छूट गया है या फिर जो अब कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, उनमें से कोई चाहते हैं कि हम अब पढ़ना चाहते हैं सेकेंड सेमेस्टर से, तो वो पेपर दे के कर सकते हैं। चलिए, तो हम आज अपना एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई आपको पेपर थ्री से रिलेटेड किसी को और डाउट, देना वो आ गई है। पेपर थ्री से रिलेटेड किसी को डाउट हो वित्र विज्ञान भाग तीन से, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लेंगे आगे। पेपर थ्री में सिर्फ वित्र विज्ञान भाग तीन आनी है, कोई एक्स्ट्रा बुक साथ में नहीं है। जय जिनेंद्र सर, ये सिद्ध पूजन जो है थोड़ा हाँ जी, समराइज कर सकते हैं, मिस हुआ था अगर, क्योंकि पेपर में भी आती है फर्स्ट चैप्टर। ये देखिए, सिद्ध पूजन मतलब इसमें तो पूजन बहुत सामान्य ही है, हम बहुत ये पूजन करते भी होंगे और जो पेपर में आए होंगे। अगर अभी जो आपने दो पेपर दिए थे उसमें से आए थे क्या पूजन में से? पूजन राइटर पे तो थे, हाँ पूजन में, अच्छा क्वेश्चंस थे। हाँ थे सर क्वेश्चन। हाँ हाँ इसीलिए आपको मतलब ये पूजन पहले ही मतलब आपको सेल्फ स्टडी में करनी ही है। बाकी पूजन का अर्थ तो हम समझ सकते हैं, सामान्य ही है। कोई दिक्कत हो, कोई छंद में हो तो वो आप पूछ सकते हैं कोई शब्द या कोई छंद में, क्योंकि पूरी पूजन हम आज कर भी नहीं पाएंगे और अगर हम जल्दी जल्दी में समझेंगे तो भी वो ठीक से तो हो नहीं पाएगी। कहीं आपको पर्टिकुलर डाउट होगा तो वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, हम एक टॉपिक आज करने वाले हैं। टॉपिक मैंने एक सोचा है, आप सबकी तरफ से भी कोई सजेशन, मेरे पास तब नहीं आया था, एक अभी अभी आया है, पंच परावर्तन का। ये हम कुंजन जी आगे लेंगे, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी है सभी लोगों के हिसाब से। हम एक बहुत बेसिक सा टॉपिक लेंगे, जैसे हमने पिछली बार कर्म को थोड़ा अलग तरीके से समझा था, आज एक दूसरा टॉपिक लेंगे। टॉपिक है अपना द्रव्य वाला, टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये तो सब हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम जानते भी होंगे, बालबोध में भी पढ़ लिया था और वो एक बार हो चुका है, तो आज थोड़ा सा हम उससे अलग पढ़ेंगे। ये जो विश्व हमें दिखाई दे रहा है, पूरा विश्व किसका नाम है, विश्व किसे कहते हैं, विश्व किसको कहते हैं, जो ये अर्थ है इसको विश्व कहते हैं, या ये जो पूरी गैलेक्सी है इसको विश्व कहते हैं, किसे कहा जाएगा विश्व?
छह द्रव्यों के समूह को। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, बिल्कुल सही। पर क्या अर्थ है इसका? मतलब वही, ये जो अर्थ है इसका नाम विश्व है या पूरी गैलेक्सी का नाम विश्व है? कहाँ तक है विश्व? जिसमें तीनों लोक समाहित हो। जिसमें तीन लोक आ गए, बिल्कुल सही। जैन धर्म के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम जब विश्व की बात करेंगे, जिसे हम वर्ल्ड अपनी भाषा में कहते हैं, तो लोक में तो वर्ल्ड किसको माना जाता है? कि ये पूरे जितनी भी कंट्रीज है, जितनी सारी कंट्रीज, उन सबको मिला के जो अर्थ बन गई है उसे वर्ल्ड कहते हैं। पर जैन धर्म इससे बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। यहाँ विश्व किसे कहा है? सिर्फ इंडिया को तो नहीं, सिर्फ अर्थ को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मध्य लोक को भी नहीं। यहाँ विश्व में तीन लोक तो लिए ही गए हैं, साथ ही साथ अलोक को भी विश्व में लिया गया है। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो तीन लोक हम विश्व ऐसा देखते हैं जहां पे सारे जीव रहते हैं, ये ऐसा विश्व है। पर अलोक भी एक विश्व का ही पार्ट है। जब हमने थोड़ी तीन लोक की बात की थी, चैप्टर समझा था, तो ये बात तब भी आई थी। जो तीन लोक के बाहर का एरिया है वो क्या है? वो अलोकाकाश है, बिल्कुल सही। उस अलोकाकाश में जीव तो नहीं रहते, पर एक द्रव्य रहता है। कौन सा द्रव्य रहता है अलोकाकाश में? आकाश द्रव्य। कि वो आकाश द्रव्य ही है, खुद ही आकाश द्रव्य है। तो हमने ये बात कही, जहां द्रव्य पाए जाए वो विश्व है। तो अलोकाकाश में भी जहाँ आकाश द्रव्य पाया जा रहा है तो वो भी विश्व में आएगा। अगर हम विश्व समझना है तो लोक और अलोक को विश्व कहा जाएगा पूरा मिलाकर। सर अलोकाकाश में तो निगोदिया जीव है ना? नहीं। अच्छा। जीव जितने भी है, चाहे एक इंद्रिया हो चाहे पांच इंद्रिय हो, वो सब जीव लोक आकाश के अंदर अंदर ही है। और त्रस जीव तो उस त्रस नाड़ी के ही अंदर है जो बीच में होती है, ठीक है। तो विश्व इसका नाम है। तो हमारा घर भी विश्व में है, हमारे आसपास जितनी वस्तुएं, ये भी विश्व ही कहलाएगी, विश्व का एक पार्ट ही। तो छह द्रव्य इसमें नाम आया कि जितने भी छह द्रव्यों के समूह को हम विश्व कह सकते हैं। द्रव्य टोटल है कितने? छह है। आप कहोगे जब छह द्रव्य कह रहे हो तो छह ही है, पर एक बार और सोचिए, टोटल द्रव्य कितने हैं? अगर हम देखें, नरेश जी, दो सर। दो कैसे? दो कौन कौन से? जीव और एक पुद्गल, मतलब जीव के अलावा पुद्गल। अच्छा, तो बाकी द्रव्य? बाकी पुद्गल में आ जाएंगे। पुद्गल में आ जाएंगे। और कोई बताएगा टोटल द्रव्य कितने हैं? सर मेन दो है और बाकी फिर विशेष। मेन दो है और बाकी विशेष। अच्छा, उसके विशेष है, यही। हाँ, आंसर उनका था। हाँ, और कोई? रोहन जी, कितने हैं द्रव्य की कितनी संख्या है? छह होना चाहिए। जी पुद्गल धर्म धर्म आकाश का छह है, ठीक है। अनंत अनंत कह सकते हैं, अनंत अनंत कह सकते हैं, कह सकते हैं या है संख्या है। अनंत अनंत है, पुद्गल भी अनंत अनंत है। देखिए ये बात हमें थोड़ा समझना है थोड़ा, कि द्रव्य दो नहीं है, किसी भी तरह से दो द्रव्य नहीं कहे जाएंगे। द्रव्य तो अगर जाति देखें, कैटेगरीज देखेंगे तो छह है, जिसे हम कहेंगे जाति अपेक्षा छह है। और संख्या अपेक्षा टोटल जब हम बात कर रहे हैं तो कितने हैं? अनंतानंत द्रव्य है। आपने तत्व और द्रव्यो को मिक्स कर दिया नरेश जी। तत्व में हमने ये बात देखी थी कि मुख्य तत्व जीव और अजीव है और बाकी पांच उनकी पर्याय है। ये बात तत्व तक तो ठीक थी, पर द्रव्यों में ऐसा नहीं है। जीव अजीव जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये छह के छह द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करते हैं।
जैसे आकाश, जैसे आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष अलग से एग्जिस्ट नहीं करते, वो जीव और अजीव की ही पर्याय हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है, धर्म एक स्वतंत्र द्रव्य है, अधर्म एक स्वतंत्र द्रव्य है जीव की तरह ही, काल आकाश काल ये भी जीव की तरह, जीव पुद्गल की तरह एक स्वतंत्र द्रव्य है। बस दिक्कत क्या हुई है, कंफ्यूजन हमें क्यों हुई, क्योंकि हमें दिखाई दो द्रव्य ही दे सकते हैं, दो में भी क्या कहें, एक ही दिखता है, पुद्गल ही दिखता है। जीव जो हम दिखता है कह रहे हैं, ये पुद्गल के साथ होने से ही दिखता है बस, मतलब हम उसपे व्यवहार से कह रहे हैं कि हाँ ये जीव है, बाकी धर्म अधर्म आकाश काल हमें दिखते नहीं है, पर ये बिल्कुल है। तो जाति अपेक्षा कैटेगरी वाइज तो हो गए छे, और संख्या देखेंगे तो द्रव्य होते हैं अनंत, क्योंकि इसका उत्तर तो हमें अपने आसपास से ही मिल जाता है। आप अपने आसपास नजर घुमाइए, कितने द्रव्य दिख रहे हैं आपको, आप कहोगे एक ही तो दिख रहा है पुद्गल, पर अगर हम संख्या की बात कर रहे हैं तो पुद्गल में कितने सारे पुद्गल है, तो अनंत तो पुद्गल ही हो गए अकेले, ठीक। तो ये पूरा विश्व, ये पूरा जितने आसपास हमें दिख रहे हैं, ये छह द्रव्यों का समूह ये विश्व है, और ये द्रव्य संख्या की अपेक्षा से अनंत होते हैं। रजनी जी आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी सर, मैं बस यही कह रही थी कि मेरी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि द्रव्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, तत्व नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने द्रव्य को ही डेफिनेशन किया है कि द्रव्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जीव और अजीव। कहाँ पे, कौन सी बुक में? सर जैन धर्म जानिए करके एक बुक है, उसमें है। एक बार आप मुझे वो पर्सनली भेजना, मैं एक बार देखूंगा, बाकी वो मिस प्रिंट या मिस टाइप भी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सूक्ष्म है, हर किसी को इस बात का तत्व और द्रव्य का अंतर पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता होता है, पर इतना जरूर है द्रव्य और तत्व दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। पहले हमने कई बार ये चीज समझी है, जैसे मान लीजिए ये एक द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य। अब इस पुद्गल द्रव्य के यदि मैं तत्व की बात करूं, तत्व होता है इसका भाव, तो तत्व क्या है इसका, अजीव, ठीक है। ऐसे ही आत्मा एक द्रव्य है, उस द्रव्य कौन सा आत्मा है, जीव द्रव्य, और उस आत्म द्रव्य के तत्व की बात करेंगे तो उसका तत्व भी जीव है, मतलब भाव। ऐसे ही आप लीजिए धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य एक द्रव्य है, पर इसमें अगर हम इसके तत्व की बात करें, इसका भाव क्या है, तो किस में जाएगा ये, अजय जी? अजीव में जाएगा ना। क्यों अजीव में लिया इसको? नहीं, क्योंकि आत्मा छोड़ के बाकी जितने भी सभी द्रव्य है सब अजीव है। क्यों, कोई रीजन? रीजन क्योंकि आत्मा उनसे भिन्न है। रीजन ये है क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान दर्शन, ओके ओके, क्योंकि लक्षण, जानने की शक्ति, जानने की शक्ति नहीं है बिल्कुल। तो अब छह द्रव्य तो ऑब्जेक्ट हो गई, छह द्रव्य तो ये छह वस्तुएं हो गई, जिनको हम पदार्थ कहते हैं, छह मतलब वस्तु कहिए उनको, आगे अभी हम एक नाम और देंगे। तो उन छह द्रव्य में अगर हम धर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं, धर्म द्रव्य का भाव क्या है, तो भाव में हम देखेंगे तो उसका भाव या तो जानना होगा तो वो जीव में जाएगा, और जानने देखने से रहित होगा तो वो अजीव में। ऐसी धर्म अधर्म आकाश और काल, इस अपेक्षा से पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन सबको पांचों को अजीव तत्व में लिया जाता है। इन सबका तत्व क्या है, इन सबका मतलब एसेंस, तत्व मतलब होता है एसेंस, इन सबका क्या है, तो अजीवपना इनका। हाँ, तो ये हो गए छह द्रव्यों का अगर हम देखें सामान्य जानकारी। अब यदि हम थोड़ा द्रव्य सामान्य को समझेंगे, छह द्रव्यों के बारे में तो हम थोड़ा थोड़ा सब जानते ही हैं, नाम सब जानते हैं, परिभाषाएं जानते ही होंगे कि कौन सा काम किस द्रव्य का है, किस द्रव्य का क्या स्वरूप है, सभी को पता है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या काम करते हैं। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए, मैं किसी से पूछ ही लेता हूँ तो फिर क्लियर हो जाएगा। संगीता मोदी जी, धर्म द्रव्य। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी। जो
सभी द्रव्यों को गति करने में निमित्त हो वो धर्म द्रव्य। हाँ, और अधर्म भी बता दीजिए इसी से। जो सभी द्रव्यों को रुकने में सहायक हो वो अधर्म। ठीक है, इन्होंने ठीक बोला है। कोई बताएगा जिनकी वीडियोस ऑफ है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जिनकी वीडियोस ऑफ है, आप कोई बताना चाहेगा कि कुछ आप इसमें ऐड या कुछ करेक्ट करना चाहेंगे क्या? नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ। गमन करना चाहे तो उसमें निमित्त है, उनकी क्रियावर्ती शक्ति दो में। वो चीज तो ठीक बोली है, पर कुछ और। हाँ, जिनके हैंड रेज़ उनमें से पूछ लेता हूँ अभी। हाँ, विनीता जी अजमेर बताइए। सर ये एक्चुअली तो धर्म और अधर्म धर्म खुद कुछ नहीं करते हैं, अगर सामने वाला करना चाहे तो ही वो उसके लिए सहायक होंगे। ऐसा नहीं कि उसको चला रहा है या उसको रोक रहा है, वो खुद ही चलना चाहेगा तो उसको चलाने में सहायक है, वो खुद ही रुकना चाहेगा तो ही उसको रुकने में सहायक है। ठीक है, ये बात तो उन्होंने भी सही बोली थी, मतलब ये बात तो उसमें आ गई थी कि वो चलने में सहायक हो। सहायक का मतलब ही निमित्त हो गया कि खुद नहीं चलाएंगे पर चलने में हेल्प जिसे हम कहते हैं, या फिर जब खुद कोई चलेगा तो उसको सहायक बनेंगे। और कोई करेक्शन कुछ उसमें करना चाहेगा कोई, किसी ने ध्यान से सुना हो? आशीष जी बताइए। भैया स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल के जो गमन करने में निमित्त हो वो तो धर्म द्रव्य, और स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल के ठहरने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहा। तो क्या करेक्शन करा आपने इसमें भैया? ये जीव और पुद्गल का स्वयं उसमें चलना जरूरी है, स्वयं ठहरना जरूरी है, तो ही बाहर में निमित्त की कही जाएगी बात दूसरे में। हाँ देखिए, बिल्कुल सही है बात, पर करेक्शन मतलब स्वयं चलते हुए तो बात चली आ गई थी, अभी हमने उसको पिछले पॉइंट में बात भी करी थी। करेक्शन जो थी वो थी जीव और पुद्गल। अब इसमें किसी का ध्यान शायद नहीं गया आप सभी का, उन्होंने कहा था सभी द्रव्यों सभी द्रव्यों को चलने में और सभी द्रव्यों को ठहरने में, पर सभी द्रव्य चलते ही नहीं है। क्रियावती शक्ति या चलने का काम ठहरने का काम सिर्फ दो ही द्रव्यों का है, किन किन का? जीव और पुद्गल। तो परिभाषा क्या बनेगी अब आप सब एक बार ध्यान से सुनिएगा बहुत, क्योंकि इस परिभाषा में एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं गमन करते हुए या स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त हो उनको उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। ऐसी इसका उल्टा, स्वयं गमन करते हुए ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो द्रव्य निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई सभी को? जिनको क्लियर नहीं थी हो जाएगी, बाकी चलिए अब आगे चलते हैं। आकाश, आकाश द्रव्य भी एक बार किसी से पूछ लेते हैं। आप हैंड रेज कर लीजिए अपने, किसे कहते हैं आकाश द्रव्य? बाकी मैं किसी जिनकी वीडियोस ऑफ है उनसे पूछ लेता हूँ। संगीता जी जबलपुर बताएंगे। आकाश द्रव्य भैया जी जो सभी द्रव्यों को अवगाहनत्व प्रदान करे, या अवगाहनत्व मतलब स्थान दे रहने के लिए, रहने का स्थान। तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी द्रव्य या जीव और पुद्गल? सभी सभी सोच लीजिए एक बार। हाँ, बाकी द्रव्यों का तो स्वरूप नहीं है, जैसे धर्म अधर्म तो दिखता भी नहीं है, सिर्फ जीव और पुद्गल, पुद्गल ही दिखते हैं जो जीव और पुद्गल, तो जीव और पुद्गल ही होना चाहिए। अच्छा, पर आकाश तो है ही खुद में समाहित, खुद तो है ही। ठीक बोला है, ठीक बोला इन्होंने, सब एग्री कर रहे हैं इस बात से। मना कर रहे हैं लोग तो। अजय जी क्या कहना है आपका इस बारे में?
यहाँ पे जीव और पुद्गल आएगा या सभी द्रव्य आएगा? जीव और पुद्गल ही आएगा ना। जीव और पुद्गल। और कोई कुछ अपना कहना चाहेगा? देखो सभी द्रव्य, इसमें सभी द्रव्य आना है। क्यों? क्योंकि धर्म अधर्म काल ये द्रव्य हमें नहीं दिख रहे हो पर रह तो रहे हैं, और इन द्रव्यों को भी रहने में तो आकाश द्रव्य ही निमित्त है। ठीक है, वहां जीव और पुद्गल लेने का एक ही कारण था, क्योंकि जो गमन करने की शक्ति है वो सिर्फ जीव और पुद्गल में है, पर रहने के लिए स्थान तो सभी द्रव्यों को चाहिए। अब जब हम ये जानते हैं कि इस विश्व में 6 द्रव्य है तो रह रहे हैं तो रहने के लिए स्थान भी चाहिए, और स्थान देने वाला द्रव्य कौन सा है? वो है आकाश द्रव्य। तो जो सभी द्रव्यों को रहने का स्थान, मतलब अवघानत में रहने में अब स्थान देने में जो निमित्त हो उसको आकाश द्रव्य कहते हैं, और खुद तो रहता ही है आकाश द्रव्य, इस सभी द्रव्य आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। चलो अब बचा लास्ट काल। काल किसे कहना, काल द्रव्य किसे कहते हैं? नीलेश जी कौन से वाले? मैं आप ही, हाँ आप ही बता दीजिए। सभी द्रव्यों के परिणामन में जो निमित्त हो, यहाँ पे सभी द्रव्य आएगा या फिर जीव और पुद्गल? सभी सभी का ही आएगा। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि परिणमन भी सभी द्रव्यों में हो रहा है, तो सभी द्रव्यों के जो परिणमन में सहायक हो निमित्त होता है उसे कहते हैं काल द्रव्य। ठीक, क्योंकि जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनमें परिणमन हो रहा है, मतलब उनमें चेंज हो रहा है, और उस परिणमन में निमित्त कौन बन रहा है? वो बनता है काल द्रव्य। काल द्रव्य खुद भी परिणमन कर रहा है और बाकी द्रव्यों के भी परिणमन में सहायक निमित्त बनता है। ठीक है, तो ये छहों द्रव्य। हाँ जी, धर्म अधर्म और आकाश से परिणमन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा परिणमन करना मतलब बस उनकी पर्याय चेंज हो रही है, क्योंकि वो भी एक द्रव्य है, और द्रव्य बिना चेंज के बिना पर्याय के रह ही नहीं सकता। आज हमें यही टॉपिक समझना है, एक जो हम टॉपिक समझने वाले हैं। इस द्रव्य का एक लक्षण शास्त्रों में कहा है, उसका नाम है, आपने सुना भी होगा, सत द्रव्य लक्षण। सुना है सभी ने? जीव का भी परिणमन होता है, मतलब छहों द्रव्यों में जीव भी परिणमन करता है। परिणमन मतलब पर्याय चेंज होना। तो अभी हम उसको सिद्ध करके देखेंगे क्यों कैसे, फिर क्लियर हो जाएगा सभी को। चलिए, तो सत द्रव्य लक्षण, ये सुना है सभी ने? कहाँ सुना है ये सत द्रव्य लक्षणम? तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में ये सूत्र आया है। तो क्या मतलब है इसका कि सत द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत है। द्रव्य किसे कहना कि जो अभी हमने समझे ये सारे द्रव्य हैं। सत मतलब क्या होता है, सत का अर्थ क्या है? सत मतलब होता है सत्ता, सत मतलब होता है एग्जिस्टेंस, सत का अर्थ होता है होना, है पना, मतलब जो है होना, इसका नाम है सत। तो द्रव्य का लक्षण क्या बनाया? सत। इसका मतलब कोई भी द्रव्य होगा वो सत के बिना नहीं हो सकता। द्रव्य है उसमें वो इस, क्योंकि उसमें सत लक्षण है, सत उसमें है, इसीलिए द्रव्य है। आप मुझे कोई भी एक ऐसा द्रव्य बताइए जो बिना एग्जिस्टेंस के हो, बताइए, है कोई आपके आसपास कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जो बिना एग्जिस्टेंस वाली हो? आप क्या कहोगे कि भाई होती तो एग्जिस्टेंस के साथ ही होगी ना, और नहीं है तो मतलब वो है ही नहीं, द्रव्य उसे तभी कहा जाएगा। तो द्रव्य का लक्षण ये बनाया है सत। तो ये जितने भी 6 द्रव्य है इनमें भी ये बात घटित होगी, ये भी सब एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब सत द्रव्य का लक्षण है। जैसे जीव का लक्षण पर्टिकुलरली बनाएंगे तो वो तो ज्ञान बनेगा, अजीव का बनाएंगे तो मतलब ज्ञान दर्शन से रहित स्पर्श रस गंध वर्ण आदि बनेगा, मतलब पुद्गल का बनाएंगे तो।
धर्म का बनाएंगे तो गति बनेगा, अधर्म का बनाएंगे तो मतलब स्थिति हेतुत्व बनेगा, आकाश का अवघान हेतुत्व बनेगा, काल का परिणमन हेतुत्व बनेगा, ये उनका पर्टिकुलर। पर अगर हम एक एक द्रव्य का ना लेके सिर्फ एक द्रव्य का बना रहे, सिर्फ द्रव्य कॉमनली, अगर हमें ऐसा एक हमें लक्षण बनाना है जो सब द्रव्यों में घटित हो जाए, तो वो है सत। सत एक ऐसी चीज है जो विश्व के सारे द्रव्यों में मतलब घटित होता ही है। जितने भी द्रव्य है वो सब एग्जिस्ट करने वाले। अब कोई कहेगा कि भाई ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जो है नहीं, जैसे इसके लिए शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है गधे के सींग, आकाश में फूल, या हम कह सकते हैं जो भूत होते हैं भूत, ये कौन से द्रव्य हैं, ये है या नहीं है बताइए, ये कौन से द्रव्य में जाएंगे जो ये भूत सब होते हैं। तो पहली बात तो जिस टाइप के भूत बाकी दिखते हैं बाकी हम समझते हैं वो तो होते ही नहीं है जैन धर्म के अनुसार, और जो एक हम व्यंतर जाति के समझते हैं वो जीव में ही जाने हैं, वो तो व्यंतर जीव द्रव्य में आ गए। तो आप कोई भी एक ऐसी चीज बताइए जो ना हो, हम नहीं बता सकते, क्योंकि विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं जितने भी पदार्थ है वो सत्य रूप है, तभी हम उनको जानते हैं, तभी उनका ज्ञान या तभी उनको देखा जा सकता है। हम नहीं तो केवल ज्ञानी, तो बताइए कोई जो सर्वज्ञ भगवान है वो तो देख रहे होंगे ऐसे द्रव्यों को जो नहीं है, जो चीज है ही नहीं वो तो सर्वज्ञ भगवान तो देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप ही नहीं है वो जानना संभव ही नहीं। तो ये द्रव्य कहलाते हैं वस्तु, और इन द्रव्यों का स्वरूप जानना ये है वस्तु के स्वरूप को जानना। हमें बार बार ये प्रश्न होता है कि हमें मतलब पहले भी बहुत लोगों ने पूछा है कि हमें राग द्वेष मिटाने हैं तो कैसे मिटे, हमें अपने परिणाम अच्छे रखने हैं तो कैसे रखे, हमें मतलब शुभ भाव रखने हैं या ऐसे अच्छे भाव रखने हैं, आकुलता नहीं करनी तो कैसे हो, तो उसका एक ही उत्तर है आप जिनवाणी से पूछोगे तो वस्तु के स्वभाव को जानना। वस्तु के धर्म को वस्तु के स्वभाव को जानने से ही हमारा परिणाम निर्मल होंगे, इसीलिए कहा गया वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है और वस्तु के स्वभाव को समझना ही धर्म की प्राप्ति है। तो हम यदि ये छह द्रव्य जो वस्तु हैं इन वस्तुओं को इन वस्तु के स्वरूप को समझेंगे तो हमें भी निश्चित रूप से ये राग द्वेष का मिटेंगे, राग द्वेष का नाश होगा। तो थोड़ा ये देखते हैं सर, मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी, तो सिद्ध भगवान फिर जीव में आएंगे ना, वो तो बिल्कुल सिद्ध भगवान भी जीव में आएंगे क्योंकि वो भी विश्व का एक पार्ट है। अच्छा, चाहे वो लोक के अग्रभाग में हो पर विश्व में वे है या नहीं और उनकी सत्ता है या नहीं, बिल्कुल है। सत इसीलिए द्रव्य का लक्षण बनाया। सर काल और आकाश का क्या बताया आपने लक्षण, जैसे काल सब का तो, काल का है परिणमन हेतुत्व, परिणमन में जो हेतु, आकाश का है अवगाहन हेतुत्व। ठीक है सर, ओके ठीक है। पर सभी द्रव्यों का अगर हम कॉमन एक लक्षण बना रहे हैं तो वो है सत। ठीक है, समझ आ गया सभी को इतना। अब इस सत के बारे में शास्त्रों में क्या कहा, शास्त्र में आया सत किसे कहना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये सुना है आप सबने, ये कहाँ सुना है, तत्वार सूत्र में। ये भी वही तत्वार सूत्र में, वही सूत्र है पांचवें अध्याय में जहां बताया कि सत द्रव्य लक्षण, सत द्रव्य का लक्षण है। फिर प्रश्न हुआ कि सत क्या है, तो बताया उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब ये थोड़ा सा हमें समझना है, इसे समझ के कैसे हमें राग द्वेष में हमारे अभाव होगा, हम निराकुल कैसे रह सकते हैं, ये बात बहुत हमारे लिए उपयोगी है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये सत का लक्षण है, सत द्रव्य का लक्षण है और सत का लक्षण क्या बनाया, उत्पाद व्यय द्रव्य, मतलब सत का स्वरूप कह लीजिए। उत्पाद और व्यय और द्रव्य ये क्या चीज है, ये क्या कहलाते हैं, पहले हमने पढ़ा है
कोई बताएगा उत्पाद व्यय द्रव्य क्या होता है ये? आप हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस। हाँ हाँ रजनी जी बताइए। हाँ जी सर, उत्पाद से तात्पर्य है जिनका जन्म होता है, और उत्पाद व्यय जो खत्म भी होते हैं, जन्म होता है और उत्पन्न भी होते हैं और खत्म भी होते हैं, और द्रव्य यानी कि जिन जो जिनका परिवर्तन से है ना, नष्ट अच्छा। भी होते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है? और कोई जिनसे हम पूछते रहते हैं उनके अलावा, या फिर उत्पाद वे द्रव्य सुना तो होगा आप सभी ने क्या है उत्पाद वे, सुने सुने शब्द है बहुत बार हमें कहीं ना कहीं प्रवचन में, कहीं ना कहीं शास्त्रों में सुनने को मिलते हैं। हाँ मोनिका जी अनम्यूट कीजिए, बताइए। भैया जी जय जिनेन्द्र, किसी वस्तु की उत्पत्ति तो उत्पाद हो गया और उसका परिवर्तन व्यय हो गया और उसमें सत रहता है वो द्रव्य है। जैसे मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी जो है घड़े के रूप में परिवर्तित तो हो रही है, मिट्टी तो द्रव्य हो गया, उत्पन्न होना घड़ा बनना और व्यय होना उसमें परिवर्तन, कभी उसमें घड़ा बन गया, कभी दीपक बन गया, कभी कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई, और कोई उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है ये? चलिए अजय जी आप बताइए। उत्पाद यानी नवीन पर्याय का, पर्याय की उत्पत्ति होना, और व्यय यानी जो पूर्व पर्याय उत्पन्न है उसका नाश होना, और इन सब में जो द्रव्य है वो ध्रुव रहता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मतलब परिपूर्ण आंसर है, इसमें सारी बातें आ गई और ये ही जरूरी था कि उत्पाद व्यय द्रव्य मतलब नए पर्याय की उत्पत्ति, इसका नाम है उत्पाद, व्यय मतलब पूर्व पर्याय का नाश, पूर्व पर्याय का नाश इसका नाम है व्यय, और द्रव्य की उत्पाद और व्यय होते हुए भी जो द्रव्य में एक ध्रुवता एक कायम बना रहता है उसका नाम है द्रव्य। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, आप सब लिख लीजिए जिनको लिखना है। द्रव्य की नवीन पर्याय की उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना यह है उत्पाद, पूर्व पर्याय का नाश होना यह है व्यय, और द्रव्य में निरंतरता उसका नाम है द्रव्य। भैया जी निरंतरता से नहीं समझा मतलब? अभी हम उसको समझाएंगे, अभी एक बार आपको डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है ये लिख लिया आप सब ने। अब उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन चीजें अब थोड़ा समझ ले है क्या। पहली बात तो ये तीनों, इनको सत का लक्षण कहा, इन तीनों को सत का लक्षण कहा, मतलब ये तीनों हर द्रव्य में पाई जाती है। लक्षण कहा इसका मतलब कब पाई जाती है द्रव्य में, जो लक्षण होता है किसी द्रव्य का वो कब पाया जाता है। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान है, तो जीव में ज्ञान कब पाया जाएगा? हमेशा, ऑलवेज, हमेशा पाया जाएगा। ऐसे ही द्रव्य में सत कहा और सत का कहा उत्पाद व्यय द्रव्य, तो सीधा सीधा हो गया द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य उसका लक्षण है, ये कब कब पाया जाएगा? हमेशा पाया जाएगा, हर समय या हर साल, हर दिन, हर समय। तो हर समय, अब हर समय तीन होंगे या एक होगा? उत्पाद व्यय द्रव्य तो तीन है ना, तो ये हर समय तीनों होंगे या एक होगा? तीनों होंगे। एक होंगे, कोई एक वाला भी है क्या कहना चाहते हो? जरूरी नहीं है तीनों वालों का सही आंसर, कोई एक भी ट्राई कर सकते हैं।
हाँ तो आंसर जो आए हैं वो आया है कि तीनों होंगे, मतलब हर समय एक समय, कितना सूक्ष्म होता है, एक समय में तीनों ही पाए जाएंगे, उत्पाद भी, व्यय भी और द्रव्य भी। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे गहराई से समझना और सोचना पड़ेगा कि एक समय में तीनों कैसे संभव है। हमें तो ऐसा लग रहा है तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग टाइम पे होंगे। जैसे अभी किसी ने कहा था जन्म होना, तो जन्म तो जब जन्म होता है तब मरण नहीं होता, तब मरण जब मरण होता है तब जन्म नहीं होता। तो इसीलिए मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे एक समय में हो सकते, तो उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य का लक्षण है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, द्रव्य का लक्षण है और लक्षण द्रव्य में हर समय पाया जाता है, हर समय एक एक समय, और इसीलिए द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों हर समय पाए जाते हैं। अब कैसे होंगे ये अभी हमें देखें। उत्पाद का मतलब है नई पर्याय की उत्पत्ति, नए पर्याय का उत्पन्न होना। तो अब और व्यय का मतलब है पूर्व पर्याय का नाश होना। तो ये तो एक ही चीज होगी ना एक समय में, या तो पर्याय उत्पन्न होगी या नाश होगी, दोनों चीज हो सकती है। रोहन जी आपने कहा था तीनों होंगे। हाँ तीनों होंगे, क्योंकि एक समय पे जैसे कोई एक नई पर्याय आई तो जो पुरानी पर्याय है उसका नाश भी हो रहा है या वो पीछे जा रही है, तो उसमें उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है। और क्योंकि तो एग्जांपल अगर आत्मा का लेते हैं तो आत्मा के अंदर उत्पाद और व्यय होने के बावजूद भी द्रव्य बना कायम है उसके अंदर, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है, तो इसलिए आत्मा द्रव्य रूप में। एक समय में तीनों होते हैं, दो होते हैं, तीनों होंगे एक साथ, तीन होंगे सब। और कोई इसमें कुछ कहना चाहेगा या सब यही मानते हैं? हाँ जी बताइए नरेश जी। सर सिद्ध भगवान का क्या होगा? सिद्ध भगवान का भी बताएंगे, मतलब वहाँ तो फिर ओनली ज्ञान दर्शन है, बाकी परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। बताऊंगा हाँ वो भी बताएंगे। और किसी को कुछ कहना हो तो देखिए, सब बिल्कुल सही रोहन जी ने जो बताया कि हर द्रव्य की, कोई भी द्रव्य, सिर्फ पुद्गल या जीव की बात नहीं है ना, धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्यों के प्रत्येक समय में ये तीनों चालू है, उत्पाद भी, व्यय भी और द्रव्य भी। ठीक है, अब कैसे संभव है, क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि एक ही पर्याय की अपेक्षा से है, पर ऐसा नहीं, अलग अलग पर्याय। उत्पाद हुआ अगली पर्याय का, तो जब उत्पाद हुआ है तो पूर्व पर्याय का नाश हो, क्योंकि ये बात हमें एक सिद्धांत ही ध्यान रखना है, द्रव्य की एक समय में एक ही पर्याय रहती है, एक ही पर्याय। अब वो इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें पकड़ में नहीं आती, इसलिए हमें लगता है कि एक साथ बहुत सारी पर्याय हो रही है, नहीं। मतलब अगर हम एक गुण की बात करेंगे तो एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होगी, एक ही हो सकती है। तो उस जो नई पर्याय हुई उसकी अपेक्षा से उत्पाद, जो पूर्व की थी उसकी अपेक्षा से व्यय हुआ, और उन दोनों पर्यायों के उत्पाद व्यय होने पर भी जो द्रव्य पना था, द्रव्य का स्वरूप था, वो कैसा रहा, कायम रहा, निरंतर रहा, उसका नाम है द्रव्य। समझ आया ये? अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई भी हम रास्ते में चल रहे हैं या स्टेप चढ़ रहे हैं, तो हम जैसे एक नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे, तो इसमें तीनों काम है कि नहीं। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे आए तो नई स्टेप पे आना भी हुआ, पिछली स्टेप को छोड़ा भी, पिछली को छोड़ा तभी तो आगे बढ़े, और एक उस रास्ते पे या हम जो देखे उस पूरे मार्ग पे कायम भी रहे। जैसे हम कहीं चल रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, एक उठा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ा, तो यही उत्पाद व्यय है। एग्जाम्पल इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो हर समय उत्पाद भी हो रहा है, हर समय व्यय भी हो रहा है, हर समय द्रव्य भी चालू है, क्योंकि ये द्रव्य का लक्षण बनाया गया है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? कोई इतने तक डाउट है क्या? अब ये द्रव्य का स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप है, और अभी हमने देखा था वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, और वस्तु के स्वभाव को हम जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी हम सुखी होंगे, जितना गहराई से समझेंगे उतना ज्यादा सुखी होंगे, उतने ज्यादा हम आकुलता से बचेंगे।
अब इसमें क्या समझना है आपको, हमें तो आ गया समझ, उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद इसका नाम है, व्यय इसका नाम है, द्रव्य इसका नाम है, और ये द्रव्य का लक्षण है, इसमें क्या समझ। तो अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल देखें, तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य का मतलब है, इससे हम और कई सिद्धांत कुछ वाक्य इससे निकालें। तो सबसे पहले तो कि विश्व की जितने भी द्रव्य हैं उनकी जो पर्याय है वो सब पर्याय कैसी है, टेम्परेरी है, जितने भी द्रव्य है, क्योंकि क्यों टेम्परेरी है, तो वो हम इन्हीं से निकालेंगे, क्योंकि हर पर्याय का व्यय होना ही है, क्योंकि उसका स्वरूप है, हर द्रव्य में उसकी पर्याय जो हो रही है वो सब क्षणिक है, क्योंकि उसका व्यय उसका स्वरूप है, ठीक है। ऐसी उत्पाद में जिसका उत्पाद हुआ है, अभी उसका उत्पाद है, अगले समय उसका क्या होगा, उसका व्यय होना है। ये सिद्धांत वाक्य हैं कुछ, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, नोट भी कर सकते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की एक समय में एक ही पर्याय होंगी, पहली बात ये। दूसरा, जिसका उत्पाद हुआ है उसका निश्चित रूप से व्यय होना ही है, आज नहीं तो कल, और इतना ये तो आज और कल तो बहुत स्थूल है तो हर समय हो रहा है, ठीक। उत्पाद व्यय होने पर भी द्रव्य अपना स्वरूप नहीं बदलता, उत्पाद व्यय होने पर भी कितना बदले तो भी द्रव्य बदलने पर भी बदल कर पूरा नहीं बदल जाता, ये होता है द्रव्यपना। जैसे अभी पूछा था कि जीव में परिणमन होता है या नहीं, तो होता है, सभी द्रव्यों में हो रहा है, पर जीव में हर समय परिणमन होने पर भी इतना परिणमन नहीं हो जाएगा कि वो जीव बदल के अजीव हो जाए, ऐसा दिन नहीं आएगा, परिणमन चल रहा है, पर परिणमन करते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ना। जैसे हम इसके लिए देखते हैं, जैसे अब जो अपना ये हम गैलेक्सी देखते हैं ऊपर, जो गैलेक्सी हम साइंस में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उसमें हम क्या देखते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने अपनी एक्सेस पे घूमते हुए भी अपने उससे बाहर नहीं जाते, घूमेंगे भी और बाहर नहीं जा रहे। तो अब ये दोनों चीज है ना, परिणमन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, मतलब इसको हम ऐसे कहें कि परिणमन करते हुए भी अपने स्वरूप से बाहर नहीं जा, अपनी जिसे हम यहाँ की भाषा में कहेंगे अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जा। ऐसे ही जीव बाकी द्रव्य, जीव पुद्गल सब परिणमन चल रहा है, सब में ज्ञान की पर्याय, दर्शन की, सुख सब गुणों में चल रही है, क्योंकि पर्याय गुणों की होती है, जीव में अनंत गुण है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, हर एक द्रव्य की हर एक गुण की एक एक पर्याय हर समय हो रही है, पर अगले ही समय उस पर्याय का क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है, फिर नहीं आती है, मतलब हर समय उत्पाद हर समय व्यय, हर समय उत्पाद हर समय, यहाँ एक एक समय का भी नहीं है, आप इसको ऐसा मत समझिए कि एक समय उत्पाद होगा अगले समय व्यय, ऐसा नहीं, एक ही समय में उत्पाद भी है व्यय भी है और द्रव्य भी, समझना आ रहा है समझ सभी को, कोई सर, मुझे थोड़ा सा डाउट है बताइए, जो आपने द्रव्य वो तो निरंतर है ना, तो निरंतर है तो उत्पाद और व्यय के साथ तो होगा ही हमेशा, साथ दो पर्याय होनी चाहिए ना। नहीं, द्रव्य किसी पर्याय का नाम नहीं है ना, मतलब ये तो द्रव्य में जो निरंतरता है, द्रव्य में जो उसका, जैसे हम बात कहें एक बहुत स्थूल उदाहरण देता हूँ, जैसे एक व्यक्ति है जो अभी मान लीजिए टीचर है, फिर वो व्यक्ति आगे चल के मान लीजिए टीचिंग में ही उसने मतलब MBA कर ली, वो एक कॉमर्स का मतलब कुछ और जॉब कर ली, तो वो एक बैंक में जॉब करने लग गया मान लीजिए, तो वो बैंकर बन गया, या फिर आगे कोई दूसरा प्रोफेशन में चला गया, CA बन गया, कुछ भी बदल गए, तो ये सब उत्पाद और व्यय हुआ कि भाई टीचिंग की जॉब छोड़ी तो दूसरी जॉब पकड़ी, तो उसका हुआ व्यय और नए का हुआ उत्पाद, पर इतना होने पर भी वो व्यक्ति बदला या नहीं, नहीं, नहीं बदला ना, तो वो व्यक्ति तो वैसा का वैसा रहा, ये है द्रव्य का एग्जांपल, इसको ऐसे लगा लीजिए जैसे एक मनुष्य है, बालक है अभी, फिर युवा हो गया, फिर वृद्ध हो गया, तो ये सब बदल गए,
पर वो मनुष्य बदला कि नहीं, व्यक्ति तो वही रहा। तो ये है द्रव्यता। ये तो हमने बहुत बड़े बड़े स्थूल एग्जाम्पल से लिया है, पर ये हर समय की पर्याय पे लगाइए आप। ओके, जैसे ज्ञान पे लगाइए, ज्ञान है, ज्ञान हमारा ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय चल रही है, तो कभी कम कभी ज्यादा हर समय चल रहा है। तो ज्ञान की एक समय की पर्याय हुई योग्य उत्पाद, पूर्व का नाश हुआ योग्य अव्यय, पर वो ज्ञान पना जानना ये पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, इसका नाम है द्रव्य। समझ आ रहा है सभी को? भैया जी, हम ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जैसे जीव है, जीव तो की सत्ता तो हमेशा, उसका अस्तित्व तो है ही, वो जन्म मरण वो सब हो रहा है, लेकिन अस्तित्व पना कायम है। हाँ, तो ठीक है, ये अस्तित्व पना उसको द्रव्य बोल सकते हैं क्या? ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर जीव का जो आपने एग्जाम्पल लिया बहुत स्थूल है, ये तो जीव के आप जन्म मरण पे ही लगाओगे। इससे तो ये बात लगेगी कि जब जीव जन्म होगा तभी उत्पाद होगा और मरण होगा तभी व्यय होगा, पर हम और थोड़ी सूक्ष्म बात कर रहे हैं कि जो जीव को आप ले रहे हो उस जीव में भी हर समय, सिर्फ मरण और जन्म के समय नहीं, हर समय उत्पाद हो रहा है, हर समय व्यय हो रहा है, हर समय द्रव्य भी है। ठीक, क्योंकि पर्याय दोनों तरह की है ना, एक ये सूक्ष्म जो हर समय चल रही ये भी पर्याय है, और ये पूरी जो दिख रही है मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये भी एक तरह से स्थूल पर्याय होती ही है, दोनों में बात लगेगी। तो सर, हर समय सब चल रहा है लेकिन फिर भी टाइम एक ही रहता है ना? हाँ, हर समय मतलब गुण तो बहुत सारे हैं ना, अनंत गुण हैं, पर हर गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी। तो एक समय में अगर देखिए तो अनंत गुणों की अपेक्षा तो अनंत पर्याय है ही, जैसे ज्ञान की अपनी चल रही है, दर्शन की अपनी चल रही है, सुख की अपनी चल रही है, वीर की अपनी चल रही है, तो ये सब है। हाँ रोहन जी, आप नरेश जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं ट्राई करना चाहूंगा, अगर आप सिद्ध भगवान वाला। जी करिए। तो एक समय पे सिद्ध भगवान तीनों लोग को जान रहे हैं, लेकिन वो पर्याय की अवस्था से अगर आप देखें तो जैसे अभी आप जो मूवमेंट कर रहे हैं वो सिद्ध भगवान देख रहे हैं, पर अगली अवस्था में आपकी पर्याय चेंज हो गई है, तो वो जो देख रहे हैं वो आपके तीनों चीजें देख रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, बट पर्याय की अवस्था से वो बदल गया है। तो पहली अवस्था में उत्पाद हुआ वो अवस्था चली गई, मतलब उन्होंने पर्याय में देखा, फिर वो उसका नाश हो गया तो वो द्रव्य व्यय में चला गया, पर उनका जो ज्ञान गुण है, जिसके थ्रू, क्योंकि आपने पूछा था कि जीव है, तो ज्ञान गुण जो उनका है वो हर समय निरंतर है, इसलिए द्रव्य में आ गया वो, तो वो तीनों चीजें लगेगी उनके ऊपर भी। बिल्कुल सही है, ज्ञान की अपेक्षा से आपने बताया। और अगर हम सामान्य भी देखें तो सिद्ध भगवान भी एक जीव द्रव्य होने से उनमें के भी अनंत गुण है, और अनंत गुण में हर समय परिणमन होगा ही होगा, मतलब ये द्रव्य वस्तु ही ऐसी है कि अगर उसके एक समय भी द्रव्य के गुणों में परिणमन ना हो तो वो द्रव्य जड़ हो जाएगा, मतलब उसके हम कहे मैकेनिज्म ही ऐसा है द्रव्यों का कि उसमें हर समय परिणमन हो गए। और सिद्ध भगवान का भी हमें नहीं दिख रहा हो कि हलन चलन तो नहीं हो रहा, बोल भी नहीं रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, तो कैसे परिणमन हो रहा है? तो परिणमन सिर्फ इस बाहर से हिलने का नाम नहीं है, पहली बात तो ये गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन मतलब गुणों की नई नई पर्याय, इसका नाम है परिणमन। और ज्ञान का जो रोहन जी ने बताया कि हर समय वो केवल ज्ञान का प्रयोग हो रहा है तो हर समय बदल रही है, जिसको जान रहे हैं वो भी बदल रहा है तो उनका ज्ञान भी बदल रहा है, ज्ञान में परिणमन आ रहा है ना। पिछले समय उन्होंने क्या जाना था, अगले समय कुछ और जान रहे, अगले समय कुछ और जान रहे, इस अपेक्षा से ज्ञान में परिणमन तो हमें समझ ही आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से सिद्ध भगवान के भी गुणों में परिणमन हो ही रहा है। हाँ देखिए, तो इसीलिए ये बात हम कहते हैं कि जो द्रव्य है वो तो कभी ना उत्पन्न होता और ना नष्ट होता, द्रव्य ना कभी बनता है ना कभी मिटता है, बस उसकी पर्याय बदलती है, ये तो सुना है हमने, और ये तो हमने साइंस में भी सुना है, फिजिक्स में भी लॉ सुना है कि मैटर ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस उसकी फॉर्म बदलती है, तो इसी का नाम है उत्पाद व्यय और द्रव्य। देखो, फॉर्म बदलती है इसका नाम हो गया उत्पाद व्यय, और कभी नष्ट नहीं होता है इसका नाम है द्रव्य। तो ये मैटर के साथ ही नहीं है, वहां तो साइंस ने तो सिर्फ मैटर तक ही अभी ये बात सिद्ध की है, पर जैन धर्म जीव में भी ये बात लगाता है कि जीव का भी कभी अस्तित्व मिटता नहीं है,
सिर्फ उत्पाद व्यय ये चलता है और द्रव्य हर समय कायम रहता है। ठीक, मतलब ये ऐसा ग्राफ है कि उसमें ऊपर नीचे होने पर भी एक लीनियर, एक उसमें वो चलता ही है। थोड़ा आप इस चीज से भी समझ सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसमें उत्पाद व्यय को समझाने के लिए देते हैं। पर अब इससे प्रयोजन क्या है, अपना फायदा क्या है, जो हमने बात करी थी कि ये वस्तु का स्वरूप है और वस्तु स्वरूप को समझने पर ही शांति आ सकती है। कैसे आएगी? तो आप देखो, आज हमारी सारी दुख, सारी परेशानी, सारी आकुलता, सारे राग द्वेष का कारण ही ये है कि हम अपनी पर्यायों को परमानेंट मानते हैं। जैसे व्यय उत्पाद के स्वरूप को जब नहीं जानते तो हमें ये ही लगता है आज हमारा सारा प्रयास किस चीज में रहता है, ये जो हमारी बॉडी है ये ऐसी की ऐसी रहे, ये जो हमारे बाल हैं ये ऐसे के ऐसे रहे, ये घर है ये नहीं बदलना चाहिए कभी, लोग हैं हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो और लोग हैं ये कभी बदलने नहीं चाहिए, ये पूरी दुनिया है कभी नहीं बदलनी चाहिए, शरीर में रोग नहीं आना चाहिए। तो ये सब क्या है कि उस उत्पाद और व्यय को न समझना ही है। अब आप सोचो, पूरा हमें टेंशन यही तो रहती है, पूरी चिंता इसी बात की तो चलती रहती है, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। और जब हम उत्पाद और व्यय को समझ ले तो हमें बहुत शांति, बहुत निराकुलता इसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष फील होगी कि जो भी चीज बदल रही है, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे विश्व हो, वो कोई गलत नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप है। उत्पाद और व्यय वस्तु के स्वरूप में ही है, वस्तु का धर्म है, और हम जितनी जल्दी उस धर्म को समझ लेंगे उतनी जल्दी हम निराकुल हो जाएंगे। जैसे अग्नि है, अब हमने जब पहली बार अग्नि देखी होगी तो हमें नहीं पता था, तो हम उसमें हाथ डाल रहे थे और जल रहे थे या जलते हैं जैसे बच्चे करते, और जब उस वस्तु के धर्म का पता लग गया तो अब हमें निराकुलता हो गई, मतलब अब हमें वो टेंशन नहीं है, हम पता है कि इसमें हाथ डालेंगे तो जलेंगे, नहीं डालेंगे तो बचेंगे। मतलब वस्तु के धर्म को समझना, स्वभाव को समझना कितना उपयोगी है, ये बात हमें इससे पता लगनी चाहिए। ऐसी उत्पाद और व्यय ये वस्तु के धर्म में है। हमें शरीर से संबंधित या अन्य चीजों से संबंधित बहुत ये टेंशन, ये आकुलता होती ही रहती है। कुछ लोग बैठे हुए विश्व की बातें करते रहते, पूरी दुनिया की, दुनिया कितनी बदल गई है, काल कितने खराब चल रहे हैं, टाइम कितना खराब आ गया, अब वो यही बैठे 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 चिंता करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे कि आज ये हो गया है, महंगाई इतनी हो गई है या ये हो गया है। तो जितने भी ये सारी चीजें परिणमन हो रहा है, अगर आप उसको उत्पाद व्यय के एंगल से देखोगे तो हमें लगेगा कि ये सब ऐसा होना था, वस्तु के स्वरूप में है तभी हो रहा है, और नहीं तो हमें ऐसा लगेगा या तो हम नई पर्याय को उत्पन्न करना चाहेंगे। मतलब तो देखो, सबसे पहले उत्पाद और व्यय तो है ही एक समय का, दूसरी बात ये होता भी खुद है। अब हम क्या चाहते हैं, कुछ पर्याय का तो उत्पाद उत्पाद चाहते हैं, ये तो बनती रहे बनती रहे, जैसे प्रॉफिट है बिजनेस में या कहीं, तो प्रॉफिट वाली पर्याय उत्पाद तो हम चाहते होता रहे, कभी लॉस हो ही ना, कभी इसका तो व्यय ही ना हो, पर ऐसा नहीं है। धन है, आता रहे, सबको यही लगता है ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो ये भी उत्पाद व्यय में आएगा कि नहीं? धन भी एक वस्तु है, वस्तु की पर्याय होगी कि नहीं? अगर धन आया है या उसका उत्पाद हुआ है तो व्यय भी होगा। अब हम जो ये बात मान के चले कि अगर मान लो एक बार प्रॉफिट हो गया तो फिर कभी लॉस होना ही नहीं चाहिए, तो वो जीव दुखी रहेगा। अब वो धन के जाने से दुखी नहीं है, वो किस बात से, उसने ये जो मान्यता कर ली कि कभी जाएगा ही नहीं, हम बचा के रखेंगे। हम अब कुछ लोगों को ये बात रहती है कि भाई हमने अपने पूर्वजों का, हमने अपने पूरा जो आय है उससे धन संपत्ति हमारे पास, वो हमने बहुत सुरक्षित रखी, हमने अपने दिमाग से, हमने अपने चतुराई से, अपने मतलब स्मार्टनेस से उसको बहुत बचा के रखा है, तो ये लगता है कि हम तो इसे पूरा जीवन बचा सकते हैं। पर जितनी भी पर्याय हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी उत्पाद व्यय के अधीन है, मतलब इनमें इनका स्वरूप ही उत्पाद है, अगर आया है तो जाएगा। हम लोक में भी बोलते हैं ना कि जो आए हैं उनको एक ना एक दिन जाना ही है, तो क्या मतलब है इसका, सब ये बोलते तो हैं कि एक ना एक दिन सबको जाना है, तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं
जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा, जिसका उत्पाद हुआ उसका व्यय भी होगा। तो ये वस्तु का स्वरूप। अब आप अपने आसपास की चीजें देखिए और अपने आसपास अपने विचारों को हम थोड़ा पकड़े, अपने भावों को देखें कि हमें हर समय यही लगता है कि नहीं, इस चीज का तो कभी व्यय ना हो, इसका उत्पाद ना हो या इसका उत्पाद चलता रहे। मतलब हम इन शब्दों में नहीं सोचते पर हमेशा ये लगता है, बुढ़ापा ना आए, ना आए मतलब शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, कोई रोग ना आए, चेंज ना हो, बदले ना, यही लगता है। पर क्या ऐसा संभव है? क्या कोई रोक सकता है? चलो हम नहीं रोक सकते तो भगवान तो रोक सकते हैं, भगवान तो शक्तिशाली है। बताओ भगवान रोक सकते हैं कि नहीं उत्पाद और व्यय को? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। हाँ लोग, हाँ अशोक जी कह रहे हैं नहीं रोक सकते, बिल्कुल सही, क्योंकि भगवान तो और वीतरागी हैं, उनको तो विकल्प ही नहीं है रोकने का। और भगवान अगर वीतरागी ना भी होते तो भी वस्तु के स्वरूप में ही क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता परिणमन में। तो हम चाहते यही है। अब सब क्या चाह रहे हैं कि भाई थर्ड वेव ना आए, थर्ड वेव ना आए, या इंडिया में थर्ड वेव ना आए, या फिर से ना आ जाए कोरोना, या फिर से ऐसा ना हो जाए, तो या फिर किसी को कोई रोग ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए। तो ये जितना भी परिणमन है ये सारा वस्तु के स्वरूप में है। और हम उस वस्तु के स्वरूप को समझेंगे, जितने जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी हम निराकुल होंगे। तो ये उत्पाद व्यय है, और उत्पाद व्यय के साथ साथ द्रव्य को भी समझना है, द्रव्य। अब द्रव्य का भी हम प्रैक्टिकली देखें तो चाहे कितनी भी चीजें बदल जाए, अब इसको मैं देखो दूसरे एंगल से कहूँ, अभी तक तो हम क्या कह रहे थे, सब बदलेगा, सब बदल गया। पर द्रव्य क्या बताता है? चाहे विश्व में कितनी भी चीजें बदल जाए पर द्रव्य अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। जैसे देखो इसमें एग्जांपल, मतलब हर समय उत्पाद व्यय को समझते भी हम लोक में तो समझते हैं थोड़ा बहुत, पर उसको उत्पाद व्यय के नाम से नहीं समझते। जैसे कोई व्यक्ति है या जैसे बच्चे हैं, तो अब उनके पेरेंट्स या उनके माता पिता उन पर गुस्सा कर देते हैं या उनको डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं। तो गुस्सा करने पर भी, चिल्लाने पर भी, या हम किसी पे चिल्ला देते हैं या हम पर कोई चिल्ला देता है, गुस्सा कर देता है, तो उतना होने पर भी हम कैसा मानते हैं कि जैसे मान लें किसी व्यक्ति ने हम पे गुस्सा किया तो हम क्या मानते हैं कि व्यक्ति खराब है, ऐसा मानते हैं? जैसे हमारे पेरेंट्स है या कोई है, हम पर उन्होंने गुस्सा कर दिया तो गुस्सा करने पर भी हम क्या मानते कि वो व्यक्ति खराब हो गए, ऐसा? तो भी हम क्या मानते हैं कि जिस समय गुस्सा हुआ ठीक है, वो गुस्से की पर्याय थी और वो गुस्से की पर्याय व्यय भी हो गई, फिर भी वो व्यक्ति तो कैसा है? मान लीजिए जैसे एक इसके लिए एग्जांपल दिया जाता है कि आज तक हर बच्चे को उनकी मम्मी ने या उनके पापा ने ये कहा होगा कि तुम्हें मार देंगे, तुम ऐसा मतलब गुस्से में ऐसा कहा होगा कि तुम्हें जान से मार देंगे या ऐसा कर देंगे या बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया होगा। पर क्या ऐसा सुनने पर किसी भी बच्चे ने अपने मम्मी की, अपने पापा की, किसी की पुलिस कंप्लेन कराई ऐसा कराया किसी ने? मेरे तो सुनने में नहीं आया ऐसा कभी। या कभी किसी ने ऐसा मान लिया हो कि नहीं ये तो खूनी है, ये हमारे पेरेंट्स ही तो बहुत ऐसे हैं? नहीं। फिर भी बच्चे से पूछा जाएगा कि कैसी है तुम्हारी मम्मी या कैसे है तुम्हारे पापा? नहीं, अच्छे हैं। तो एक बार अभी उसी समय, अभी थोड़ी देर पहले ही गुस्सा हो रहा था, मतलब गुस्सा में ये ऐसे शब्द सुन रहा था और फिर भी वो कह रहे कि अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उत्पाद व्यय को समझता है, उत्पाद व्यय द्रव्य को समझता है। अब चाहे नाम नहीं जानता हो पर वो जानता है, वो समझता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी ये जो उत्पाद हुआ है गुस्से का या फिर अभी शांत परिणामों का व्यय हुआ है, पर फिर भी उसमें जो माँ की या माता पिता की जो ममता है वो द्रव्य, वो स्वरूप द्रव्य, तो वो निराकुल है, उसे पता है। कितने पेरेंट्स बच्चों को ये कहते हैं घर से निकल जाओ, चले जाओ, पर कितने बच्चे घर छोड़ के गए हैं उसके बाद, ये कितनों ने ऐसी कंप्लेन कर दी है,
नहीं होता, सब जानते हैं, सब समझदार है। तो ये क्या है कि ये उत्पाद व्यय को समझने से ही संभव है, चाहे अब हम उन्हें नाम नहीं जानते थे पर हम इतना लोक में भी जानते हैं। ये तो बच्चों की बात है, बड़े तो फिर बहुत उनसे भी ज्यादा समझदार है ही। तो हमें तो उस एंगल में अपने उदाहरणों में बात करनी है अपने जीवन में कि जितनी भी परिस्थितियां बदल रही है या किसी चीज का उत्पाद हो रहा है, किसी चीज का व्यय हो रहा है, तो भी द्रव्य अपने स्वरूप को नहीं बदलता। हमें हर समय ये टेंशन होती है मर ना जाऊं, कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ये बीमारी ना आ जाए, ये टेंशन लगी रहती है, ये आकुलता लगी रहती है। पर ये सब उत्पाद व्यय में है, और इतना होने पर भी जीव का अगर मान लो ये पर्याय का बदलाव भी हो जाए, ये पर्याय बदल भी जाए, जिसे हम व्यय भी कह रहे हैं, तो भी जीव तो वैसा का वैसा ही रहा। सबसे ज्यादा दुख तो हमें मरण का लगता है, मरण से बड़ा तो कोई नहीं है। मरण में भी यहाँ पे कह रहे हैं कि डेथ में भी, मरण में भी उत्पाद व्यय होने पर भी जीव द्रव्य बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा, कुछ बदला ही, तो द्रव्य वैसा ही रहा। अब इसको समझ के हमारा मरण का भय मिटेगा कि नहीं? अगर हम इसको समझ जाए तो निश्चित रूप से मरण का भय मिटना ही चाहिए, मिटेगा ही। ऐसी उत्पाद में भी समझ आ रहा है आपको सभी को कि ये वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वभाव है, और इस वस्तु स्वभाव को समझे बिना शांति, इस वस्तु स्वभाव को समझे बिना आकुलता मिट ही नहीं सकती। जितनी भी हमें अपने शरीर से संबंधित जितने भी परिवार, वस्तु, ये वस्तु, और यही आकुलता होती है, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, या ये होना चाहिए, ये बने रहना चाहिए, यही रहता है हमेशा। किसी की हेल्थ अच्छी हो तो हेल्थ बॉडी या वैसी ही बनी रहनी चाहिए, किसी की अच्छी ना हो तो अच्छी हो जाए। मतलब ये उत्पाद और व्यय वस्तु के स्वरूप है, और ये क्या सोचता है कि मैं उसको हैंडल कर लूं। अब हर चीज में, अब पुद्गल है, मान लीजिए ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में जो उत्पाद व्यय होगा वो उसके हाथ में होगा। अब मैं क्या सोचता हूँ, हम क्या सोचते हैं कि इसको बिल्कुल कभी टूटने नहीं देंगे, कभी इस पे स्क्रैच नहीं आ जाए, कभी इसमें कोई स्क्रीन ना टूट जाए। अब ये पुद्गल धर्म, पुद्गल वस्तु है, और इसका भी धर्म उत्पाद व्यय द्रव्य है, तो इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य खुद से होगा कि मेरे कंट्रोल से होगा, बताइए? खुद से होगा। चलो ये तो पुद्गल हो गया, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने बच्चों में उत्पाद व्यय, वो तो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं? हम जैसा चाहेंगे वैसा उत्पाद कराएंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा व्यय कराएंगे, वो भी नहीं। तो ये तो मतलब इससे क्या सिद्ध हो रहा है, छहों द्रव्य स्वतंत्र रूप से उत्पाद व्यय करने में समर्थ। अब देखो आप तो, हम जीव ऐसा लगता है कि हम अपने शरीर को मेंटेन रखे, हम इतना वो करें, हम ऐसा रखे तब ठीक चलेगा, पर जीव तो जानने देखने वाला होने पर भी इसका उत्पाद व्यय स्वयं चलता है जीव का जीव से, और अजीव है जो पुद्गल द्रव्य है, जो अजीव है जिसमें जानना देखना है ही नहीं, वो तो नॉन लिविंग होने पर भी अपना उत्पाद व्यय खुद कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे पुद्गल हो धर, ये चीज नहीं समझी आप? देखिए मतलब कैसे कर रहा है, जितना भी जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्य है पुद्गल में, जैसे ये बुक है, ये बुक जब नई नई आई थी तो इसके पेजेस बहुत वाइट थे, अब जब थोड़ा टाइम हो गया तो येलो हो गए पेजेस। अब ये परिणमन किसने कराया? ठीक है, बुक का तो समझ में आ गया कि पेजेस अपने आप पीले हो जाते हैं, लेकिन ये मोबाइल है जैसे, मोबाइल पे भी आप लगाइए, अगर अगर अनटच्ड है, हम उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। नहीं क्यों, आप देखो आप इसको रख के रखो, बहुत सालों तक रख दो, टच भी मत करो, क्या बिल्कुल जैसा नया आया था वैसा ही रहेगा ये? तब नहीं रहेगा। आप देखो इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है जिनको ऊपर तक कोई मतलब बाहर से छूता भी नहीं है, जिनको कोई टच भी नहीं कर सकता, जब नई नई बनती है तो कैसी होती है, और 2-3 साल बाद कैसी हो जाती है, कैसा चेंज हो जाता है। इतने बड़े बड़े जो मतलब मॉन्यूमेंट्स है, या इतने बड़े बड़े जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जितनी भी चीजें हैं, ये बनती है जब इनका निर्माण होता है तब कैसी होती है, और थोड़े समय में कैसी हो जाती है। अब कौन कर रहा है इतनी चीजों पे, कौन टच कर रहा है जा जाके?
टच तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन बाहरी जो माहौल है, वातावरण है, डस्ट है, पोल्यूशन है। हाँ, तो मतलब तो वो भी मतलब पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र हुआ ना, ऐसे ही हर वस्तु। अब हमें अपने शरीर पे लगा लीजिए कि शरीर का हमें ऐसा लगता है कि हम मेंटेन कर रहे हैं, हम रख रहे हैं, पर आप सोचिए, आप कोशिश कीजिए कि ये जो बाल है ना, ये वाइट ना हो, नेचुरली ना हो। हम डाई लगाएंगे तो बात अलग है, वो तो हम कर रहे हैं आर्टिफिशियली, वो भी कब तक, आप छोड़ दो उसको भी, तो आपको, और हम नेचुरली कोशिश करें कि ऐसा का ऐसा रहे, तो बदलता है या नहीं, इसमें ऐसा का वो तो नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए हम इसको रोक सकते हैं या कुछ समय के लिए इसकी प्रक्रिया को शिथिल कर सकते हैं। हाँ, वो तो आर्टिफिशियल तरीके से हम कर रहे हैं, पर वो भी वास्तव में रोकना नहीं है, वो भी रोकना नहीं है। हम बात कर रहे हैं नेचुरली, जो वस्तु के स्वरूप की बात करेंगे, तो आप अब बताओ आपने क्या किया था बाल वाइट करने के लिए। हाँ, बराबर है वो, लेकिन अपन अगर मेंटेन करते हैं शरीर को, तो कुछ समय के लिए बाल वाइट होना रोक सकते हैं, ऐसा होता है ना, जैसे स्वास्थ्य के लिए अगर स्वास्थ्य के नियमों का पालन अपन करते हैं तो कुछ समय तक के लिए स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं क्या है? मतलब वो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे कार्य निमित्त बन सकते हैं, वो भी अगर ऐसा होना होगा तो। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे 10-20 लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो बाल वाइट ना हो इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी। हाँ, लेकिन फिर भी हो गए। इसका मतलब अपने हाथ में तो है ही नहीं। हाँ, कभी वाइट नहीं होने थे तो वो कदाचित निमित्त बन गया, मतलब अभी आप वो समझिए वो अभी होने ही नहीं थे। लेकिन ऐसा इसमें होता है कि नहीं, अपन जानते हो भी कि ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करते रहते। अब उसी कोशिश का नाम दुख है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा उसी कोशिश का नाम दुख है। हम कोशिश करते हैं, और अब आज सिर्फ कोशिश नहीं, आज तो लोग पूरी बदलने की प्रयास करते हैं, मतलब यही सोचता है कि एज तो हो 60 या एज तो हो 40-30 और लगे क्या 20, मतलब लोगों को क्या रखता है, ये पूरा कोशिश नहीं, पूरा चाहता ही ये है, और मान्यता में ये बैठा है कि आप महंगे से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए, महंगे से महंगा आप चीज कीजिए और कैसा भी कुछ खाइए हो जाएगा, तो ये उत्पाद व्यय को ना समझना ही है। मतलब ये क्या हो गया कि हम उस निमित्त को भी नहीं जानते और वस्तु को तो जानते ही नहीं, और वस्तु के स्वरूप से देखा जाए तो कुछ भी अपने हाथ में, मतलब वस्तु के परिणमन का अपने हाथ में है ही। निलेश जी शाह, तो इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ बदलाव जो है वो हमें दिखते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं, वो दिखाई नहीं देते, इसका मतलब उनमें बदलाव नहीं हुआ ऐसे नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बदलाव दोनों तरह के हैं, मतलब एक हम कहेंगे जो बड़े बड़े चेंजेस वो है, और जो छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे आप बॉडी के एग्जांपल पे लगाइए, जैसे जब मेल्स है तो हम जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े लोग, तो जैसे आपके हम लोगों के सबके हेयर्स की ग्रोथ है, तो वो किस दिन होती है, कितने साल होने पर होती है बताइए, कितने साल होने पर, आप कहोगे 18, 19, 20 ऐसे, तो 18 साल होते ही हो जाती है, 19 साल होते ही हो जाती होगी, तो आप क्या कहोगे कि नहीं एक दिन में नहीं होती है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, चलता रहता है, तो वो भी एक चेंज ही है। आपने हेयर कट कराया या फिर आपने कराया, तो वो आपके किस दिन बाल बढ़ते हैं, या किसी बच्चे के अब मूछे आ गई है, दाढ़ी आ गई है, तो किस दिन आई है आपके, किस दिन आई थी, हम अगर ऐसा पूछे बताइए रोहन जी, किसी कौन से दिन आई थी, ग्रेजुअल प्रोसेस है वो, तो ग्रेजुअल है, कोई दिन ऐसा नहीं है, तो ये चेंज है कि नहीं, हर समय हो रहा है। हाइट का लगा लीजिए, चलिए हाइट हमारी बढ़ती है, तो किसी की 5 फुट है, किसी की 6 फुट है, किसी की कितनी है, तो किस डेट को आपकी इतनी हाइट हुई थी, नरेश जी कितनी हाइट है आपकी, सेम रहेगी 5'8". हाँ, तो किस दिन हुई थी आपकी 5'8"? बढ़ती गई बदलते रहना, तो ये चेंज है, ये है उत्पाद और व्यय, मतलब
और इतनी हाइट चेंज होने पर भी वो आप जो मनुष्य हैं, जो नरेश जैन हैं, वे तो वैसे ही रहे। ये हो गया ध्रुव। तो कुछ चेंजेस ऐसे, और कुछ होते हैं जो बड़े बड़े स्थूल पर्याय हैं जिनमें हमें एकदम से चेंज दिखता है, जैसे मनुष्य पर्याय से तिर्यंच बने, एकदम से किसी चीज का टूटना, एकदम से किसी चीज का दिखना, तो वो भी चेंज ही है। पर वो चेंज एकदम दिखने वाला है और कुछ चेंज प्रति समय हमें लग रहे हो रहे हैं, पर वस्तु का स्वरूप तो हर समय चेंज उसमें चल ही रहे हैं। इसको दो तरह की पर्याय कहते हैं, एक होती है द्रव्य पर्याय जो कुछ लोग जानते होंगे थोड़ा, एक होती है गुण पर्याय। गुण पर्याय सूक्ष्म है, हर समय चल रही है, और द्रव्य पर्याय ये स्थूल पर्याय होती है, जैसे मनुष्य देव तिर्यंच ये बदलती हैं, इनका निश्चित समय है। जैसे मान लो 60 वर्ष की आयु पूरी करी, उसके बाद मनुष्य आयु चेंज होगी, मनुष्य पर्याय फिर देव पर्याय में जाएंगे, तो ये होगी बड़ी पर्याय। अमन जी इसको अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय भी कहते हैं, कह सकते हैं हम अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय भी। हाँ जी, समझ आ गया सभी को ये। तो ये उत्पाद व्यय को जानना, उत्पाद व्यय के स्वरूप को जानने से लाभ है। समझ आ गया। तो ये आप इसको अब हम अपने चिंतन में, अपने विचार में लाए कि हमारा दिन भर का, हमारे पूरे जीवन इसी में निकल जाता है कि हम कैसे वस्तु के परिणमन को बदले या रोके। पर हम बदल सकते नहीं हैं, और उस बदलने की आकुलता, उस टेंशन का नाम ही क्या है, दुख है। तो अब वस्तु का परिणमन जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है, बताइए। अब अच्छा बुरा नहीं होता, हमें अपने अनुकूल लगे तो वो हमें अच्छा लगता है, हमें अपने से प्रतिकूल लगे तो वो बुरा होता है। वस्तु में तो परिणमन हो रहा है। अब शरीर का है, मोटा हो गया तो मोटा अच्छा है क्या बुरा है, मोटा होना अच्छा है या बुरा है, या वाइट बाल आ गए अच्छे हैं या बुरे हैं। अब ये तो ना अच्छे हैं बुरे। अब कितने लोग हैं जिनको वाइट बाल ही अच्छे लगते हैं, तो उन्हें अच्छा लगेगा, उनको वो परिणमन अनुकूल लगेगा। कितने हैं जिन्हें ब्लैक अच्छे लगते हैं, उन्हें प्रतिकूल लगेगा। तो वस्तु का परिणमन तो वैसा का वैसे, आप शरीर से पूछो कि शरीर में वाइट बाल आ गए, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, शरीर क्या कहेगा? आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, शरीर तो जानता ही नहीं है, बोलते ही नहीं। तो शरीर का तो वो परिणमन मात्र है बस। ऐसे ही जीव, ऐसे ही सभी द्रव्यों पे लगेगा कि वो तो परिणमन है, हमने अच्छे बुरे की कल्पना बना ली है। पर उत्पाद व्यय द्रव्य को समझ के ही राग द्वेष मिट सकते हैं। हमें बहुत बार प्रश्न होता है हम राग द्वेष कैसे मिटे, परिणाम कैसे मिटे, तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य वस्तु के स्वरूप को समझना, ये एक उसका मूल कारण है। और इसे समझ कर बहुत शांति, हमें समता आएगी ही आएगी निश्चित रूप से। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हैं, पहले तो बहुत बात मानते थे, अब बात ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं है, धर्म की बात कहते हैं सुनते नहीं, कोई और काम भी नहीं सुनते। तो भी आप उन बच्चों से अपना उतना ही स्नेह, उतना ही उनसे लगाव रहता है, आपको उनसे ममत्व रहता है, तो उनकी वो बात मानने वाली पर्याय का व्यय हुआ और नई पर्याय का उत्पाद हुआ, तो भी उनमें जो बालक है, आपका जो पुत्र पुत्री है, वो जो है वो कायम है। इस बात से आप देख रहे हो तो आपका उनके प्रति वो लगाव कम ही नहीं हो रहा। कोई भी व्यक्ति कोई बहुत क्रोध कर रहा है, क्रोध करने पर भी हम जानते हैं कि अभी इसका जो क्रोध है, अब देखो ये उत्पाद व्यय को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिन भर की हमारी सिचुएशन में ये बहुत बनता है, बहुत गुस्से वाला, किसी ने गुस्सा कर दिया, अब हम उस गुस्से से ये मानने लगते हैं व्यक्ति ही खराब है, ये क्रोधी है, खराब है, इनसे तो बात ही करना बेकार है, इनसे तो देखना ही बेकार है, तो हम ऐसा मान लेते हैं। पर वो क्रोध मात्र एक पर्याय थी और क्रोध का उत्पाद हुआ है तो उसका थोड़े ही समय में व्यय भी हो जाता है कि नहीं, और जैन धर्म तो कह रहे हैं कि एक समय में ही हो जाता है और फिर वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब कोई मन में वो बना ले, मन में उसके प्रति धारणा बना के बैठ जाए, बैर बना ले, तो वो हो गया कि मतलब इनने उत्पाद व्यय को नहीं समझा। समझ आ रहा है सभी को? तो ये लाभ है और ये उत्पाद व्यय को समझने का हमें इससे बहुत प्रैक्टिकल अप्लाई करना चाहिए। अब आप सोचो, ये हमने सोचा था क्या सत द्रव्य का जो लक्षण है उसमें से ये बात निकली है,
छह द्रव्य हमने पढ़ लिए वो ठीक है, पर वो सत या वो छह द्रव्य या वो उत्पाद वे द्रव्य हमें किस बात का संदेश दे रहे हैं? ठीक है, समझ आ गया? कोई किसी को प्रश्न हो, कुछ कहना हो बताइए। सर एक चीज है कि जैसे आप हम ऐसा कहते हैं कि सब द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन सर जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं तो अगर हम अच्छे इनको संस्कार नहीं देंगे, जैसे मुझे जैसे अभी घर में अच्छा माहौल है सब कुछ और हम अच्छे संस्कार देते हैं ईमानदारी वगैरह सारा, तो बच्चे वो चीज सीखते हैं। अगर हम नहीं देंगे या हम उन्हें अच्छी चीजें नहीं सिखाएंगे या वो नहीं देखेंगे हमें, तो वो कैसे सीखेंगे? मतलब परिणमन थोड़ा बहुत तो हम पे निर्भर है, या कई माँ बाप जैसे मान लो नहीं देते हो तो उनके बच्चे भी वैसे होते ही ना, बिगड़ते ही है। मतलब कंपल्सरी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता ही है। थोड़ा बहुत आप जो कह रहे हो उसे हमने निमित्त रूप से मान लिया और संस्कार नहीं देने चाहिए, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, पर संस्कार देने या नहीं देने पर भी ये बात हमारे बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए कि सिद्धांत तो ये है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र होता है। आप कीजिए कोशिश, वो बात सही है, पर मैं तो ये पूछना चाहूंगा क्या आपकी हर कोशिश के अनुसार आपके बच्चे चल रहे हैं या चलते हैं या बाकियों के चलते हैं? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन सर मुझे तो लगता है कि जो अच्छी चीज मैं बताती हूँ वो सीखते भी हैं, और ऐसा नहीं होता कि मैं कभी हाँ, मैं जैसे डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ वो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके बच्चे ऐसे ही हैं तो बहुत अच्छी बात, पर मतलब फिर भी चलिए आप बात मानने की बात से कह रहे हैं, अगर शारीरिक रूप से परिणमन का लगा लीजिए या कोई और भी आप चाहे कि उनका शरीर का ऐसा परिणमन हो, आप चाहे शारीरिक का तो मैं बिल्कुल मान रही हूँ शारीरिक का आप मान रहे हो, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें एक एक परिणमन को मानना पड़ेगा, चाहे आपका निमित्त, चाहे आपकी सहायता या आपका कुछ मतलब आपके संस्कार उपदेश वो उनको निमित्त बन रहे हो, ऐसा निमित्त बनने पर भी वे तभी वैसा परिणमन कर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की ऐसी योग्यता है, क्योंकि खुद का उनका ऐसा परिणमन होना था। अब यही उपदेश आप एक टीचर हो मान लीजिए, तो आप यही उपदेश आप बाकी भी तो 50 बच्चों को दे रहे हो, अगर वही उपदेश से काम हो ना होता तो सबका होना चाहिए, पर नहीं। और अब जैसे क्लास है, क्लास में अब एक ही पढ़ाई हो रही है या एक ही लेक्चर एक ही चल रहा है, अब इसी उपदेश से किसी को तो बहुत समझ आ रहा है, किसी को थोड़ा समझ आ रहा है, किसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप कह रहे हो मेरे संस्कार मेरे निमित्त या मेरे उससे होता, तो कह सकते हैं ठीक है निमित्त है, पर हम निमित्त को क्या मानते हैं? हम तो निमित्त को ये मानते हैं ना कि मेरे करने से ही, अगर मैं मान लूं कि मेरे पढ़ाने से सबको समझ आ जाना चाहिए तो फिर उससे दुख मुझे ही होगा, क्योंकि जब मुझे पता लगेगा कि कुछ लोगों के पेपर अच्छे नहीं हुए या कुछ लोगों के कम मार्क्स आए हैं तो फिर मुझे दुख होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैंने तो अच्छा पढ़ाया था, मैं तो अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने से सबको समझ आना चाहिए। तो अब इसमें भी ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाई देगी, अगर मुझे दुख से बचना है तो मुझे इस बात को सोचना पड़ेगा कि चाहे मैंने सबको एक जैसा पढ़ाया हो फिर भी सभी द्रव्यों का अपना परिणमन हुआ, उनके अपनी योग्यता के अनुसार ही उन्होंने पेपर दिया और उनके मार्क्स आएंगे। समझ आया? अब ऐसी बच्चों को एग्जाम्पल की तरह से मान लो अभी बच्चे को मैंने कहा मंदिर जाके आओ, मैंने कहा तो वो चला गया, अब मैं नहीं कहती तो वो उसका मन नहीं था जाने का, जैसे हाँ, तो नहीं जाता, बिल्कुल ठीक है, पर हाँ, आपने तो, कहा ये बात इसमें आप ये समझिए, आपने कहा उस समय भी वो अपनी मर्जी से ही गया है, आपने कहा है, अगर आपने कहा होता उसकी मर्जी नहीं होती तो आप कितना कह लो तो भी नहीं जाते, ऐसे आपके तो ठीक है, पर ऐसे हजारों पेरेंट्स मतलब हमें दिख जाएंगे और यहाँ क्लास में भी बहुत से ऐसे बैठे होंगे जो 10 बार कहते होंगे पर नहीं जा रहे। आप अपना भी देखिए कि आप जितनी बार कहते हो उतनी बार चले जाते हैं, सही है, ऐसा कभी कभी होता है कि नहीं जाते। हाँ तो बस वही बात है, क्योंकि अगर हमारे कहने से होता तो वो नियम होना चाहिए, नियम वो नहीं बनेगा, नियम तो ये है कि वस्तु अपने योग्यता से जाएगी, हमारा उपदेश हमारे संस्कार निमित्त बनते हैं। पर यहाँ पे आप जो पूछ रहे हैं उसमें काल लब्धि पवित्रता सब कुछ डिपेंड करेगा निमित्त पर, हमारा जो पुरुषार्थ है एक चीज ही हमारे पास में पुरुषार्थ, तो जैसे मैं एक द्रव्य हूँ राइट, एक जीव द्रव्य हूँ, तो मेरा कार्य है पुरुषार्थ करना, जैसे मैं आपकी क्लास में सुन रहा हूँ तो मैं जितना पुरुषार्थ करूंगा और जितना मेरी ज्ञान की उपयोगिता होगी उस समय उतना मुझे ग्रहण होगा,
तो इतना तो यही बैलेंस जो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हमें पता है, हमें ये भी नहीं करना कि भाई चलो अब कल से तो हम क्लास में ही नहीं आएंगे, आपने तो बता दिया हमारी योग्यता से होना है तो हम क्लास में ही नहीं आएंगे, ये भी नहीं। और दूसरा, क्लास में आने से भी एक व्यक्ति ऐसा है जो क्लास में डेली आता है, बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे बैठता है पर फिर भी उसको वैसा नहीं समझ आया। तो दोनों चीजों को हमें बराबर समझना होगा कि हमारा पुरुषार्थ अपनी तरफ से प्रयत्न, जिस योग्य प्रयत्न जो हो सकता है वो करना है, पर साथ में सिद्धांत तो यही कहेगा, सिद्धांत तो यही है कि परिणमन उस वस्तु का स्वतंत्र रूप से होता है। और जितना जल्दी इसको समझेंगे उतना जल्दी शांति है, उतना जल्दी निराकुलता है। और भैया, कर्मों के उदय से भी हमारे भाव होंगे या नहीं होंगे क्लास में बैठने के? बिल्कुल, कर्म का उदय फैक्टर है ही, कर्म का उदय फैक्टर है इसमें, शरीर की अवस्था फैक्टर है। मतलब आप देखो, कर्म का उदय आपका अच्छा नहीं है, मतलब पुण्य का उदय नहीं है, तो आपको भाव ही नहीं आएंगे क्लास में बैठने के। क्लास ग्रुप में है, मतलब बहुत से लोग ऐसे भी ग्रुप में है, लिंक भी देख रहे हैं, मैसेज भी सीन कर रहे हैं, तो उन्हें भाव नहीं आ रहे, तो वो सब भी बात है। बताइए और किसी को कुछ? आशीष जी। भैया, एक कंफ्यूजन होती है थोड़ा, कि ज्ञान में आकार बनता है, ज्ञान का परिणमन होता है, तो द्रव्य द्रव्य मतलब स्फटिक मणि की तरह वो उसमें आकार पर्याय झलकती हैं, चेंज होती हैं, या फिर द्रव्य स्वयं ही उस रूप परिणमन करता है? थोड़ा यहाँ एक मतलब सॉलिडनेस नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं आता। द्रव्य उस रूप परिणमन नहीं करता है, ज्ञान में मणि या दर्पण के समान ही झलकता है। द्रव्य उस रूप परिणमन करेगा तो द्रव्य जीव, द्रव्य जो ज्ञान है वो पुद्गल हो जाएगा, और फिर तो सिद्धांत विरुद्ध हो गया। ये तो जैसे हम कितनी जगह पढ़ते हैं कि जीव या जो ज्ञान को गेहूं की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान गेहूं के रूप नहीं हो जाता, तो वो सब सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी अगर ऐसा। कुंजन जी, अगर हम ये द्रव्य यू नो व्यय और उत्पाद द्रव्य और यू नो इसको माने, तो दवाई खाना वो सब करके वैसा सोचे, तो वो भी अपना अपनी अपनी लब्धि के हिसाब से ही होने वाला है, तो भी हम उसमें मानेंगे, तो करना हाँ, चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और दूसरी बात ये है कि सम्यक दृष्टि जीव इस सिचुएशन में क्या करेंगे? देखिए, खाना नहीं खाना तो व्यक्तिगत है, मतलब सबका अपना है, पर अगर हम उत्पाद व द्रव्य को समझ लेंगे तो खाने नहीं खाने के नाम पे होने वाली आकुलता से बच जाएंगे। रोग हुआ, ठीक है, वो उत्पाद से हुआ, पर हमें जब उत्पाद व द्रव्य समझ आ जाएगा तो हम उसकी इस टेंशन, इस आकुलता से बच जाएंगे कि अब हम करेंगे तो व्यय हो जाएगा, हम ये दवाई खा लेंगे तो व्यय हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, ये हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, सिर्फ एलोपैथी की बात नहीं है, पर अगर उत्पाद व्यय को नहीं समझा तो वो आकुलता ही रहेगी, उसको टेंशन बनी ही रहेगी कि मेरे करने से हो जाएगा, मैं करूं ऐसा हो जाए, बदल जाए। पर जिसने ये समझ लिया, वो चाहे ट्रीटमेंट करे या ना करे वो बात अलग है, पर करते ना करते हुए भी उसको श्रद्धान ऐसा रहेगा, या उसको जो परिणामों में शांति ये रहेगी कि जो यदि होना होगा तो कुछ भी निमित्त बन जाएगा, फिर कोई सी भी पैथी हो। करना नहीं करना चाहिए ये तो हम सब जानते हैं कि कौन सा अपने सेवन करने योग्य है और कौन सा नहीं है। तो दवाई खा के ठीक होना भी एक सात संबंध, सात तत्व संबंधी भूल ही माना जाए? अब देखिए, अब इसमें मैं इसको डायरेक्टली ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरा प्रश्न ये है आपसे, अगर सम्यक दृष्टि को कोई रोग होगा तो वो अपना इलाज कराएगा या नहीं? ऐसे तो आपने ही पूछा था मुझसे ये, पर मैं आपसे मैं वही सोच रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि नहीं। देखिए, इसका मैं उत्तर देता हूँ, वो कराएगा, जरूर कराएगा, पर योग्य कराएगा, मतलब इलाज के नाम पे चाहे जैसी हिंसक दवाई नहीं लेगा, चाहे जैसे किसी जीवों की हिंसा से अपना इलाज कराएगा नहीं, उपचार करेगा। उपचार का तो यहाँ तक कि मुनिराजों के लिए भी आया,
वे खुद नहीं करते, श्रावक उनके लिए करते। तो जो निर्दोष औषधि है या जो अहिंसक उपचार है या जो नेचुरोपैथी वाले हैं, जो मतलब बिल्कुल अहिंसक रूप से होता है, वो वाला कराएगा क्यों नहीं? क्योंकि उसको अभी जिस गुण स्थान में वो है, उस गुण स्थान के अनुसार उसको अपने यथा योग्य शरीर का भी ध्यान रखने के भाव आएंगे ही। अब हम थोड़ा ये मिक्स कर देते हैं, अभी वे क्योंकि मुनि नहीं बने हैं, गृहस्थ है सम्यक दृष्टि, तो उसको श्रद्धांत तो ये है कि मैं शरीर में कुछ फेरफार नहीं कर सकता, शरीर का जो रोग निरोग है वो स्वयं ही होगा, पर फिर भी वे अपने योग्यता से, मतलब जो उसके भाव आ रहे हैं उस भाव की पूर्ति के लिए वह योग्य उपचार करेगा। पर उसके उपचार करने में और मिथ्या दृष्टि के उपचार करने में जमीन आसमान का अंतर होगा। मिथ्या दृष्टि तो ये सोचता है कि मैं ठीक कर दूंगा, इनके करने से ठीक हो जाएगा, या मैं ये कुछ भी खा लूं बस आप तो बता दो कैसे ठीक होना है। मतलब वो कुदेव कुगुरु पे जाएगा, आप ये कोई कहेगा ये करा दो, कोई कहेगा ये करवा लो, इनकी मतलब नजर उतरवा लो, मतलब ऐसे बहुत सब कहेगा। तो मिथ्या दृष्टि सब चीजों में जाने का कोशिश करेगा, पर सम्यक दृष्टि योग्य उपचार जो अहिंसक रूप से होगा वो करेगा, और उसके नाम पे भी इतना आकुलित व्याकुलित नहीं होगा। ठीक है, उसके श्रद्धांत, उसके श्रद्धांत में यही होगा कि अगर जो भी ठीक होना है मेरे अपने कर्मों से ही होगा। हाँ, क्योंकि यथा योग्य मतलब उनको जो परिणाम है, भाव है, उस अनुसार सम्यक दृष्टि को भी भाव होते हैं। जिस गुण स्थान में है उस अनुसार भाव होंगे ही, थोड़ी यथा योग्य आकुलता भी होगी, पर उस आकुलता की तीव्रता या उसकी डेंसिटी मिथ्या दृष्टि जैसी नहीं होगी, बस इतना अंतर है, और ये बहुत बड़ा अंतर है। नहीं तो अगर वो उपचार ना करवाए तो फिर ठीक थोड़ी होगा, अगर मान लो नहीं करवाए तो, अगर हम ऐसा सोचने की भी ना करवाए। हाँ, अब ये तो नियम नहीं है, अगर नहीं करवाए ठीक नहीं होगा, ये तो नियम नहीं है, हो सकता है ठीक भी हो जाए, पर उसको श्रद्धांत ये रहेगा। हाँ, कि उसको श्रद्धांत तो ये रहेगा कि अगर ठीक होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हाँ अजय जी। अमन जी, जो द्रव्य अपना उत्पाद वे द्रव्य युक्तम अपने परिणामों पे घटा है, कि जैसे कोई आदमी राग द्वेष करता है तो हमको ये समझ जाए कि वो जो राग द्वेष जो कर रहा है वो तो मेरे निमित्त हो सके, मेरे पाप कर्म का उदय होगा उसके निमित्त से हो रहा है, वो पर्याय एक समय की है, वो चली जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो एक समय के पर्याय को त्रिकाली बना देते और उसके पीछे जो त्रिकाली आत्म तत्व है उसको देखते नहीं, तो उसको देखने से फिर क्या शांति आती है और सभी लोग निर्दोष लगते हैं उसमें। बिल्कुल यही बात हमने देखी, का दोष नहीं दिखता उसमें। जो हमने क्रोध के एग्जाम्पल से देखा, कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, ये खुद को भी आ जाए मान लीजिए क्रोध, तो हम खुद भी लोग इंफीरियरिटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन होने लगता है कि हमारे कितने खराब भाव हो गए, या हमारे हमें ऐसे भाव क्यों आ जाते हैं, हमें इतना राग क्यों आ जाता है, हमें इतना द्वेष क्यों आ जाता है, या दूसरों को। तो यदि आप उसके उस पर्याय मात्र को देखोगे तो फिर दुख होगा ही होगा, पर वो पर्याय उत्पाद व्यय सहित है, और उसके होने पर भी द्रव्य जो ध्रुव है वो वैसा का वैसा रहता है, और वो उसमें कभी, जैसे हमने पहले देखा था पिछली क्लास में, कि उसमें कभी भाव कर्म से उसका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। ऐसा देखेंगे स्वयं को भी, अन्य जीवों को भी, तो सब निर्दोष दिखेंगे, तब वास्तव में परस्पर में साधर्मी के प्रति या अन्य जीवों के प्रति वात्सल्य आएगा, वो असली वात्सल्य है जो हमने उसके जीव को देखे। अभी तो क्या लगता है, जिसने हमारा जब तक काम किया तब तक हम उनसे बहुत अच्छे वात्सल्य दिखाते, और जब हमारा काम बिगाड़ दिया, थोड़ा सा गुस्से से बोल दिया या कुछ कर दिया, हमने छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें इसी से स्टार्ट होगी, इसको उत्पाद व्यय द्रव्य को समझना, मतलब वस्तु के स्वभाव को समझने से ही होगी। ठीक है, समझ आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को, जिनकी वीडियोस ऑफ है अपने, समझ आया? राहुल जी? जी सर, बिल्कुल समझ। ठीक है, और सभी को? तो हाँ, अब आज का सेशन तो अपना यही हो गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही था ये अपना, अपने कोर्स में तो 6 द्रव्य ही थे जो हमने पहले पढ़ भी लिए, पर 6 द्रव्यों में से इतनी। हाँ जी, अमित जी, सुमत प्रकाश जी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम किसी के घर पे गए
उसने हमको पानी के लिए पूछा नहीं, एग्जाम्पल, वो दिमाग वो चीज को एक समय के पर्याय रहते, वो आदमी तो भूल जाता है, उसका ऐसा इंटेंशन में रहता, वो एक समय के पर्याय रहते, बट वो एक समय के पर्याय को ध्रुव मान लेता है, त्रिकालवर्ती ध्रुव मान लेता है, जैसे हाँ यानी इसने मुझे पानी नहीं दिया, 10 साल बाद जाएंगे तो बोलेंगे कि इसने मुझे घर में पानी नहीं, पानी के लिए नहीं पूछा था। हाँ मतलब बहुत से, अभी तो इसमें बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे कि अभी ये उत्पाद वे द्रव्य को जब नहीं जानता तो उल्टा करता है, उत्पाद वे को तो ध्रुव मानता है और ध्रुव को उत्पाद वे मानता है, जिन चीजों में उत्पाद वे होना है उसको तो मान लेता है परमानेंट। जैसे मान लो अभी मैंने क्लास में किसी को कुछ बोल दिया, कुछ किसी को डांट दिया, तो ठीक है अब क्लास तो पूरी हो जाएगी, अब कई साल बाद पूरी हो जाएगी, तो बहुत साल बाद भी मिलेंगे या कभी मिलना हो, तो उस व्यक्ति को ये ध्यान रह सकता है कि हाँ ये वही पंडित जी है, इन्होंने मुझे ऐसा बोला, इन्होंने हमें ऐसा बोला, चाहे बोलने वाला या बाकी भूल भी गए, पर वो बात हमारे ध्यान में रहती है तो वो बना रहता है कि कभी हमें मौका मिलेगा ना तब हम भी देखेंगे, कभी हमें चांस मिलेगा ना, अभी इन्होंने पब्लिकली बोल दिया, अकेले में मिलेंगे तब इनको हम भी दिखाएंगे बताएंगे। तो वो एक समय का था पर हमने उसको परमानेंट मान के और तब तक रखा, तो वो ये ही इसका ही नाम दुख है। तो ऐसे उत्पाद व्यक्त को समझना हमें जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा ही, और हम इसको अप्लाई करें तो हम सुखी हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास तो हम यहीं पूर्ण करते हैं। वाइवा कितने लोगों का रह गया है अभी, जो अपनी अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अर्पित जी और जितने लोग हैं उन सबका हो चुका है, अर्पित जी और रजनी जी। और किसी का? चलिए आपसे फिर अभी में से ही कुछ पूछ लेते हैं जो हमने। हाँ अर्पित जी बताइए क्वेश्चन। हाँ जय जिनेंद्र सर। सर वाइवा तो हो गया मेरा स्टार्टिंग में। अच्छा। एक क्वेश्चन था कि जैसे सुमत प्रकाश जी ने एक अपने प्रवचन में बोला था कि तत्व चिंतन और स्वाध्याय कब तक करना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि कितना भी तत्व चिंतन या स्वाध्याय करें, एक आपा बुद्धि कोई कंसेप्ट है वो जब तक आ जाए तब तक करना चाहिए, लाइक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी उससे रिलेट करें, तो आपा बुद्धि जब तक आ जाए तब तक वो होना चाहिए, तो हाँ, वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। आपा बुद्धि व्हाट इज दैट? वो उन्होंने बोलोगा आपा पर, स्व और पर, कभी लेंगे इसको अलग से टॉपिक में लेंगे, स्व पर भेद विज्ञान का ही टॉपिक है, और ये कब तक होना चाहिए इसकी स्वाध्याय, जब तक हमें ऐसी आपा पर बुद्धि ना है तब तक ये होना चाहिए, ठीक है ओके, कर लेंगे उसको अलग से। और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, या फिर हम रजनी जी आपका वाइवा रहता है? जी सर। ठीक है, तो आज आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप अपने दिन भर के रूटीन से आपको उत्पाद व द्रव्य के दो एग्जांपल देने हैं, दिन भर के रूटीन जहाँ उत्पाद व दोनों चल रहे हैं और द्रव्य भी आपके ध्यान में आता है कि तो भी द्रव्य रहता है। हाँ सर, दैनिक रूटीन में भी हमारा उत्पाद व द्रव्य चलता ही रहता है, जैसे कि हमने कुछ किचन में जाके कुछ बनाया, खाने का सामान बनाया, उसको फिर सबने खाया तो वो खत्म हुआ, लेकिन द्रव्य में उसके अस्तित्व को हम साफ किया तो वो रिपीट हो गया और कपड़े धुलने का भी ऐसा ही है कि थोड़ा, हमने थोड़ा, थोड़ा धुलने से दूसरे पे आइए। हाँ जी एकदम क्लिक नहीं कर रहा। रोटी
का दे सकते हैं आप एग्जांपल इसमें, सोचिए कैसे बनती है। हाँ, रोटी का एग्जांपल, किसी चीज का उत्पाद होता है, किसी का व्यय होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आटा, आटे को अगर हमने गूंदा तो उससे जो सूखे आटे का था उसका गीले आटे में वो हुआ, व्यय हुआ, और फिर जब उससे रोटी बनी तो उससे उसका दूसरा अस्तित्व रहा। हालांकि इसको हम हम वैसे जैसे होता ना कि सोने वगैरह के लिए ले सकते हैं कि जैसे, लेकिन वो दैनिक रूटीन में नहीं आएगा कि जैसे हमने गोल्ड का चूड़ियां बनवाई, फिर हमने उसको धुलवाया और उससे फिर हमने कान के कुंडल बना लिए और फिर हमने दोबारा धुलवा के, तो वो सोना तो सोना ही रहता है लेकिन उसकी पर्याय जो है वो परिवर्तित होती रहती है। हाँ, तो इसमें द्रव्य क्या रहा? द्रव्य जो है वो उसका वैसा का वैसा रहना, वो मतलब उस एग्जांपल में सोना द्रव्य हो गया। हाँ जी, हाँ जी, कड़े बने, हाँ। तो कड़े का हो गया उत्पाद। हाँ जी। और आपने हार तुड़वाया, बनवाया वो, हाँ, हार तुड़वाया तो वो हो गया हार का व्यय। जी बिल्कुल। रोटी वाला जो आप दे रहे थे वो भी ऐसा होगा कि जैसे गेहूं है, गेहूं से हमने आटा बना दिया, आटे से फिर रोटी बना दी, तो ये उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय हो गया। और उसमें वो जो गेहूं है, चाहे वो आटा कैसा भी था, वो कायम रहा, वो उसका द्रव्य बना रहा, या उसमें जो हम कई कार्बोहाइड्रेट जो हम अगर इस एग्जांपल में ले, वो कायम ही रहा, चाहे वो आटा बन रहा हो, चाहे वो गेहूं बन रहा हो, चाहे वो रोटी बन रहा हो। और वो धोने वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, पर ये दो एग्जांपल ठीक है, इनको हम लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ नया उत्पन्न होना, जैसे मिट्टी का एक एग्जांपल दिया था क्लास में कि मिट्टी का जैसे घड़ा था गिर के टूट गया, वो टूट के हमने मिट्टी को कुछ और बना दिया, तो घड़े का व्यय हुआ और फिर और कुछ बन गया उसका उत्पाद, मान लीजिए दिया वगैरह कुछ बना उसका उत्पाद, और जो मिट्टी थी वो क्या रही? द्रव्य। ठीक है, लेकिन भैया जी रोटी, हाँ, का तो फिर वो जब हमने रोटी खा ली तो फिर वो तो व्यय, अब नया उत्पाद थोड़ी ना होगा, या तो वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में माने। बिल्कुल, रोटी आपके उस गोल अवस्था के रूप में तो व्यय हुआ उसका, पर अभी भी वो रोटी किसी ना किसी फॉर्म में तो हमारे अंदर है, शरीर, शरीर के पोषण में। बिल्कुल ठीक है, चलिए और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिए, हम अपनी क्लास पूर्ण करते हैं, समय भी हो गया है। चलिए, तो अपना आप पेपर जो क्विज है सब जरूर करिए कंप्लीट, ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा क्लास होती जाए और अपना सेकंड सेमेस्टर शुरू करने का टाइम आ जाए। तो चलिए अभी की क्लास हम यहीं पूर्ण करते हैं, सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।